एपिसोड ऑफ थॉट बिहाइंड थिंग्स टुडे इज़ द फिफ्टीथ ऑफ सप्टेम्बर 2023 और आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं आदिर इसमाइल साहब जिनको बुलाने का मकसद ये था कि पिछले दिनों मैंने एक पॉडकास्ट की थी और ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि अगर हमने पाकिस्तान से बाहर अपने आप को डुअल सिटीजन्स बनाना हो तो और आपके पास बहुत सारे पैसे हों तो हाउ कैन यू बाई अ पासपोर्ट हाउ कैन यू नो सेटअप अ कंपनी Obviously, a lot of people in Pakistan, jo kal dollar rate hai, they don't have a lot of money. Um, but they are very smart, very intelligent, and they do want to go out there and explore the world and potentially settle in other other places. So Joachim is an immigration consultant who really focuses on skill-based immigration. So um, US, Canada, UK, Australia, India, and across Europe, in Japan. इन बहुत सारी कंट्रीज़ में बहुत आसानी से बहुत थोड़े पैसों में यू कैन एक्चुअली रीलोकेट बेस्ड ऑन योर स्किल्स बेस्ड ऑन योर एजुकेशन बेस्ड ऑन देयर रिक्वायरमेंट्स फॉर सर्टेन स्किल्स दैट यू मे हैव एंड जिसको हमने बहुत एक्सटेंसिवली यू नो डिटेल में डिस्कस किया वी आई ट्राई टू अंडरस्टैंड के वॉट इज़ दॉट ऑफ प्रोफाइल जो कि एलिजिबल होती है ऐसी चीज़ों के लिए यू नो वॉट इज़ द प्रोसेस जिसमें आप इसमें चेकआउट कर सकते हैं ओब्वियसली मार्केट में जब आजकल बड़े ऐसे हालात हैं कि अलाट ऑफ पीपल वॉन्ट टू गो तो उसकी वजह से बहुत सारे इलीगल तरीके भी आते हैं जैसे कि हमने वो देखा कि अनफॉर्चुनेट शिप रैक हुआ क्लोज टू ग्रीस इस तरीके से बहुत सारे पाकिस्तानीज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ गाइडेंस बहुत डेंजरस और इलीगल मैथड्स भी यूज़ करते हैं सो वी रियली वू फोकस ऑन वॉट इज़ लीगल The right way to be able to relocate, जिसमें आप आसानी से हिजरत कर सकते हैं अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर आप पुराने हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा आपके इस लाइक से हमें बहुत फ़ायदा होता है रीली हेल्प्स याल कर एकदम अगर आपके कोई ख्याल हैं तो हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर आके बताएं रीड अप ऑल ऑफ द कामेंट्स एंड इट रीली हेल्प्स मी इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द पॉडकास्ट बट एनी वेज दिस इज आदिल इसमाइल ऑन टी बी डी को दुबई स्टूडियो कैसे? कैसा जा तो हालात जो हैं वो उसकी वजह से लोगों के मूड बड़े बदले में और उसकी वजह से पीपल लाइक योर सेल्फ एज अनफॉर्चुनेट इट इज बट नो श्योर कि बहुत क्वेरीज़ आ रही होंगी जी हाँ पिछले एक डेढ़ साल से यही सिलसिला है लोगों की क्यूरीज़ जो है वो ज़्यादा बढ़ गई है hmm. बिजनेस बढ़ गया इसी वजह से अनफॉर्चुनेटली फॉर कंट्री बट फॉर्चुनेट फॉर कंसार्डेंट्स जितने भी हैं ऑल राउंड जो काम कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर या मिडल ईस्ट के अंदर भी तो रुझान जो है वो ज़्यादा बढ़ गया है Right. और उसकी वजह से मुख्तलिफ कंट्रीज में लोग माइग्रेट कर रहे हैं तो क्यूरीस भी उसी अंदाज़ में बहुत ज़्यादा हुई है पहले जहाँ हमें अगर दिन में पाँच इंक्वायरीज थी जस्ट फॉर कंपेरिजन कि पाँच इंक्वायरी तो वो पचास इंक्वायरी इतना ज़्यादा अच्छा, सर बढ़ गया इतना ज़्यादा फर्क हो गया तो अक्सर मैं अपने इंटरव्यूज में भी कह रहा होता हूँ कि ना के बारे में आ रहे हुए एक तरह से तो ए, अच्छी बात है बट इसमें ऑबियसली कैपिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रही है इवन कि कैपिटलाइजेशन ज्यादा हो रही है और अच्छा और बुरे की तमीज़ जो है वो थोड़ी सी क्वैक्स भी आते हैं फिर उसमें वो इलीगल है।, है कि हाँ, हमारे इसमें ज्यादा है राइट right. थोड़ा uh, सा अगर फ्यू वुड गिव मी अब मोटा मोटा अगर मुझे सामने ही देखे बताएँ कि आपका पर्सनल एक्सपीरियंस में आप कितने अर्से से काम कर रहे हैं कितने केसेस को देख चुके हैं व्हाट आर द नंबर्स देयर वेल मोर देन सिक्सटी थाउजेंड तो मैं प्रोसेस कर चुका हूँ सक्सेसफुली अच्छाफुलस और लास्ट ट्वेंटी प्लस अभी गोइंग ऑन है तो कह रहा हूँ माई फादर वॉज अ कंसारेंट माई एंड्री ब्रदर इज ऑल्सो माई सन इज नाउ इन दिस इंडस्ट्री तो वो भी अब इस वक्त कंसर्न है फुल फ्लैश कंसर्न है अलमदिल्ला और बेटी भी इस वक्त उसमें ट्रैक पे चल पड़ी है तो माय यंगर ब्रदर आल्सो कंसर्न बिफोर ही डाइड अनफॉर्चुनेटली तो इस पूरे जो है अब वाहिद पाकिस्तान में फैमिली है जो इसी बिजनेस में ऐसे और कुछ और कायम नहीं अर्ली लाइफ कहां पे थी एजुकेशन कहां पे थी एंड अप

कर रहा है सरमाया डॉट पी के जो कि अपने फाइनेंशियल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स पे ट्रेनिंग्स भी ऑफर करता है और डेटा भी ऑफर करता है जिससे आप पूरी दुनिया की मार्केट्स खासकर पाकिस्तानी मार्केट्स को बासानी देख सकते हैं अगर आप लोग अपने प्लेस जहां पर आपको बहुत इंटरेस्टिंग यू नो रिपोर्ट्स के थ्रू डेटा भी मिलता है इन्वेस्टमेंट की एडवाइस भी मिलती है और खासकर उनकी ट्रेनिंग्स जहां पर उनके एक्सपर्ट्स जो हैं वो आपको क्रिप्टो और स्टॉक मार्केट और कमोडिटीज़ और एसेट्स के अंदर ट्रेड करके पैसे कमाना सिखाते हैं सो चेक आउट द प्लेटफॉर्म एंड चेक आउट चेकआउट ट्रेनिंग्स। नाउ बैक टू द दॉडकास्ट वेल्स वेरी सिंपल कराची आइट हैं तो कराची में ही पले बड़े हैं बहुत क्रिकेट खेली है hmm. और क्रिकेट के भी एक तरह से बादशाह रहे हैं इन uh, अंस के जब शाहिद अफरीदी आफ्री साहब जब इंटर हो रहे थे तो मैंने उनके साथ भी खेले अच्छा और उनको भी तीन तीन चार चार शक्के लगाए हुए और उसके अलावा तो भी खेली आपने थोड़ा सा खेला फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल नहीं सका क्योंकि फिर जिम्मेदारी बढ़ गई काम में आ गया कंप्यूटर का शौक था जो चीज़ की बहुत ज्यादा लगन से है तो हर चीज़ में चूंकि मेरा एक अपना एक तरीके का है कि आप जो काम भी करें उसमें कोशिश करें कि नंबर वन हो राइट right. तो वो एक जो एक दिमाग के अंदर है तो वो चलता आ रहा है जिस फील्ड को भी पकड़ी है आ, पहले तो अर्ली लाइफ मेरी जो है वो कराची में ही गुजरी वन ऑफ द बेस्ट स्कूल से लामाथिन एकेडमी तो उससे मैंने इनिशियल तालीम हासिल की फिर कॉलेज लाइफ डीएचए कॉलेज डिफेंस का जो एक होता है और वो उस उससे उस, उस हम गुजरे फिर बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस किया पेट्रा चक्का कहाँ से पेट्रोम से राइट right. सो so, वो किया फिर लॉ की क्वालिफिकेशन हासिल की फिर तो वो वो फिर चलता रहा फिर इस फील्ड में मैं मैं अगर, अगर अपने आप को कहूँ और कंसल्टेंट ही थे चला रहे थे बड़ा अच्छा अपना बिजनेस भी काम भी था बड़ा भाई भी उसी के अंदर प्रॉब्बे हो गया मेरा कोई रुझान नहीं था एक्चुअली मैं एक कंप्यूटर ग्रेजुएट हुआ बिल्कुल अलग फील्ड है तो शौक था कि प्रोग्रामर बन जाऊँ प्रोग्रामिंग भी की इंटरनेट कैफ़ेज़ के सॉफ्टवेयर्स बनाए स्कूल के सॉफ्टवेयर्स बनाए बेचे भागनदौड़ी की मतलब इनिशियल स्टेज से जो है वो मेहनत के अपने बलबूते पे क्या करना है राइट. वो था बट लकीली लिखा हुआ कुछ और था तो मुझे इतफाक़ा कि मुझे टीचिंग करने का इतफाक़ हुआ कि यही कंप्यूटर स्टडीज़ मैंने यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस लाइक लाइक में इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाना शुरू किया तो मुझे मज़ा आया कि मैं मुझे मेरे अंदर यह था कि मैं कन्वेंसिंग थोड़ी मुझे लगता था कि मैं ज़्यादा अच्छी कर सकता हूँ स्टाइलिंग के अंदर बातों के अंदर और पढ़ाने में क्योंकि वो सर सईद कॉल याद आ जाता था कि जब वो पढ़ाने जाते थे तो, तो कहते थे मैं पढ़ने जा रहा हूँ Right. जब पढ़ने जाते तो कह रहे थे पढ़ाने जा रहा हूँ तो वो मजा आता था कि यार आपको पहले तैयारी करनी है फिर लेक्चर डिलीवर करने और कन्विंस करने और लोग आपको स्टंड आपको सुन रहे हैं और वो तो वो एक मजा आता था, था तो एक्सीडेंटली ये हुआ कि ये मुझे एक्सपीरियंस अल्लाह ने दिलाया और दिलाने के बाद चूंकि ये एक बेबी काउंसलिंग होती है हमेशा मैं कहता हूँ टीचर तो, भी एक काउंसलर होता है hmm. तो टीचिंग मैंने बहुत भरपूर अपनी की एंड देन फादर की क्योंकि कंपनी थी अपनी बिजनेस कर रहे थे तो उन्होंने एक दिन कहा कि भाई Uh, तुम कितना कमाल होगे इसके अंदर <laughs> तुम मेरे पास आकर जो है थोड़ा सा वक्त लगाओ देखो तो मैं वहाँ बैठा तो मुझे लगा कि मैं कुछ अच्छी काउंसलिंग कर सकता हूँ right. अच्छी बात कर सकता हूँ तो थोड़ा सा uh, फादर जो है वो थोड़ा सा मेंटोर बने उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारी अच्छी एक सलाहियत है तुम इसको यूटिलाइज करो तो देन फ्रॉम देयर ऑन तो मुझे जो है ना वो एक पकअप हुआ और एक राह मिली और मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आ गया कौन से ईयर में फिर आपने ऑफिशियली स्टार्ट किया ऑलमोस्ट 2000 के अंदर अच्छा 2000 में मैंने एंट्री कर दी थी फादर के पास देर आफ्टर मुझे एक बड़ी अच्छी जगह पर इमिग्रेशन इंडस्ट्री से ऑफर आ गई अच्छा तो मैंने बगैर फादर को बताई हुई एप्लीकेशन डाल दी और लकीली वो एक्सेप्ट हो राइट एंड दे वर मी अ अमाउंट राइट तो मैंने कहा फादर से भाई मैं तो यहाँ पर जा रहा हूँ मुझे <laughs> आप तो उतना नहीं बेक कर रहे क्योंकि ऑफिस जब फैमिली में होता था बंदा उतना ग्रेजुएट होता है वो कहता है यार अब क्या है थोड़ा बहुत सम दे रहे हैं एंड दैट तो मैं जो है वो चले गया उस कंपनी के अंदर right. और वहाँ से फिर मुझे लगा कि मैं एक इंडिविजुअल है और उन्होंने चूँकि पूरा आ, मुझे दिया स्ट्रक्चर मुझे दे दिया चीज़ें दी तो वहाँ से मुझे इमिग्रेशन का नो हाउ भी लर्निंग भी और चीज़ें फिर देर आफ्टर मैंने खुद चूँकि मैं गया ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी में उन्होंने ग्रेजुएट डिप्लोमा ले लिया माइग्रेशन के अंदर ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन का तो थोड़ा सा मुझे नॉलेज एक्सपीरियंस फादर से मिल रहा था कुछ क्वालिफिकेशन से मिल रहा था फिर लॉ की क्वालिफिकेशन हासिल करने से थोड़ा सा आपको एक लीगल का आइडिया हो गया आइडिया हाँ। होगा हो क्या होना चाहिए कैसे होना चाहिए अब चूंकि फादर मेरे बड़े बड़े ऑनेस्ट डेड ऑनेस्ट आदमी थे राइट right. और वो चीज़ हमारे भी खून के अंदर उसी तरीके से रच बस गई बड़ा भाई भी, भी इसी तरीके से है छोटा भाई भी ऐसी था और मैं भी कोशिश ये करता हूँ मैं तो अपने आप को कहता हूँ कि इंसान है ऑब्वियसली तो मैं ये कहता हूँ और लोगों को भी ये पैगाम देता हूँ कि आप किसी इंडस्ट्री में हुए इट डजन मैटर कि इमिग्रेशन इंडस्ट्री ये बड़ी नोटोरियस है या इसमें लोग बड़े फ्रॉड करते हैं झूठ बोलते हैं आप किसी जगह पर हो मैं अगर कोई रेडी भी चला रहा होता तो तब भी मैं ये बात करता कि भाई आपको कोई भी काम छूट के बगैर करना चाहिए अच्छा इसके ऊपर ये बड़ी आपने ये। एक बात अगर छेड़ी दी है तो वो होता ये है कि जो जो झूठ वाला काम है ना बड़ा इंटाइसिंग लगता है बहुत ज़्यादा क्योंकि पैसा भी ज़्यादा आ रहा होता है शोहरत भी ज़्यादा आ रही होती है अच्छा आप जब सच के साथ आप कर रहे होते हैं आप सीधे सीधे होते हैं आपने honestly, अगर फॉर एक्साम्पल आपके केस में कोई बंदा आ रहा है कह रहा है यार मुझे इमिग्रेशन चाहिए आपको नजर आ रहा है वो नहीं है तो आप उसको मना करेंगे करें। लेकिन साइड साथ वाला बंदा जो है वो कह रहा है कि सर आपको तो चुना लगाया जा रहा है आपका ऐसा सीन है ऐसा सीन है वो अगला भी आपको एक बंदा कह रहा है कि नहीं हो रहा हाँ और नौ बंदे तो कह रहे हैं कि भाई कल आ जाओ और परसों जा रहे हो होली ये बड़ा जो है अट्रेक्टिव बंदा फिर अपने डाउट तो करता है कि यार यू नो वॉट लाइक मे बी आई एम दस्ट वन फॉर बींग दी ऑनस्ट वन मुझे मार भी खाने को मिल रही है मुझे पैसा भी नहीं मिल रहा मुझे शोहरत भी नहीं मिल रही मेरा क्या फ़ायदा ये सारा करने का बट देन इसी के साथ साथ आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि वाले साहब बिकॉज आइव सी माई वाले साहब इज़ वर्ट आई थिंक ये चीज़ें फैमिली से ही फैमिली आती हैं है, कोर है, फैमिली है, से आती हैं कि मैंने अपने वाले साहब को देखा मैंने थ्रू आउट लाइफ भी देखा कि कहाँ कहाँ उन्होंने मार खाई हो जब मैंने पूरी लाइफ गुजारने के बाद अब मैं मैंट करके देखता हूँ तो हम बेहतर रहेंगे हाँ बिल्कुल सही सर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म अप्रोच है हाउ डू यू अप्रोच मेरा तो है ही यही और लोगों को यही मैं, मैं अब अब जो मैंने अब मोटिव किया लिया है और मेरा मोटिव यही है कि लोगों को बताएं कि भाई आप लॉन्ग टर्म में सोचें और आप जो है वो सच के साथ खड़े हो सीधा सीधा अगर आपका कोई बदला नहीं क्वालीफाई कर रहा आप वो पैसे नहीं कमाए देखिए एक छोटी सी बारीक लकीर है हराम और हलाल की ये अगर आप समझ जाए लोग हाँ, आपके ऑडियंस को लगेगा कि बड़े कोई कोई एक बट द ओनली थिंग इज मैं, मैं yeah. अपने अपने अपने, अपने क्लाइंट्स को भी अक्सर कहता हूँ ये बात कि न्यूजीलैंड के अंदर अगर आप सर्वे करें और आपको रिपोर्ट पता चलेगी नाइन्टी नाइन परसेंट लोग झूठ नहीं बोलते hmm. तो इसमें मुसलमान और गैर मुस्लिम की बात नहीं है hmm. एक नॉर्मल प्रैक्टिस है बेसिक है। अखलाक आपके इकदार हैं जिसको आपको पूरा करना है आज क्यों है मैंने भी एक ऐसी एक, एक वीडियो की थी अपनी वीडियो के तो मैंने बताया कि और चूंकि मैं मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ रोजमर्रा के दौरान उसमें कि हम पाकिस्तानी जो है वो क्यों इतने ज्यादा तादा, तादाद में लेकिन हमारे वो इखलाकी इकदार नहीं उस उस नहज पर पहुँच रहे हैं क्यों क्योंकि हम झूठ पर बहुत काम करें कोई बंदा कोई काम करते हुए निकालें तो पता चलता है शर्बंदी की भाई वो हमारे भाई है तो इस बुनियाद के ऊपर जब आप चलते रहेंगे तो आपकी कभी भी आप तनजली का ही शिकार होंगे आप कभी भी आप जो है ना आपको तरक्की नहीं मिलेगी तो ये आपने मौकफा आप अपना लें लोगों को बताएं कि भाई बगैर आप झूठ बोले भी काम कर सकते हैं रिस्क आपको जो है वो यहाँ से मिलेगा क्या इतनी ज़रूरत पड़ी है और कितना आप लेके चले जाएंगे hmm. इसमें यह बात नहीं है कि मैं कोई बहुत कोई तबलीगी बात कर रहा हूँ ये कह रहा हूँ ये ये होना चाहिए ये हमें एजुकेट करना चाहिए तो मैं हर प्लेटफॉर्म से अब जाकर यह बात करता हूं कि लोगों को एजुकेट किया जाए और अगर मेरी इंडस्ट्री की बात आएगी तो फिर मैं मेरी ज्यादा जिम्मेदारी आएगी तो मैं ये बात करूंगा कि भाई हमारी इंडस्ट्री में लोगों को कैसे परखना है फिर भी मैं आपको बात बता दूं मैं और आप कितने भी पॉडकास्ट कर लें 98 लोग नहीं समझते नाइन्टी एट परसेंट अभी भी आप उठा के देख लें तो कोई देखिए लो स्किल वर्कर का तो एक या लो क्वालिफाइड का तो एक प्रॉब्लम है उसको नहीं समझ में आती ना उसको ये समझ में आता है कि फलाना फलाने का चला गया है भाई चले वहां पहुंच गया है तो मैं जो है मैं भी पहुंच जाऊंगा ठीक है या डंकी का सहारा लूंगा दिस लेकिन क्वालिफाइड जब बंदे इस तरह की बात करेंगे या धोखा खाएंगे तो बहुत ज्यादा दुख होता है क्योंकि वो आके आपके पास ही रोते हैं और फिर आपको भी 20 साल इस इंडस्ट्री में क्योंकि इतनी सेंसिटिव इंडस्ट्री है आप 20 साल क्या 40 साल भी लगा लेंगे तो आपके पास सामने वाला आके क्या बोलेगा

फिर उसके बाद क्वेश्चन आता है कि यार अच्छा शायद मे बी आई शुड गो टू समवन जिसने ये काम किया वो तो हाउ डज वन गो अबाउट एक्चुअली आइडेंटिफाइंग आपने कहा रिसर्च कर लें कैसे रिसर्च कर रहे हैं कि जी मैं क्या लिखूँ मैं गूगल कि यार इमिग्रेशन कंसल्टिंग एंड देन उसमें फिर किस तरह मुझे पता लगेगा देखिए डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट चीज़ें थी पहले right. तो ये हम तय कर लें और बता दें लोगों को वाजह कर दें खासतौर तो पर चूँकि हम हमारा हमारा जो इंटरेक्शन है वो ज़्यादा मिड क्वालिफाइड या हाईली क्वालिफाइड से होता है ठीक है ना और मैं उन्हीं के लिए ज़्यादा काम भी करता हूँ uh, तो एक तो सबसे पहले ये जहन में रखें कि ना वन कैन अप्लाई हिमसेल्फ उसको जरूरत नहीं है हर चीज़ वेबसाइट पर गवर्नमेंट की वेबसाइट्स के ऊपर मौजूद है सारे पैसे बचाएं खुद अप्लाई करें कोशिश करें तो स्ट्रीट स्मार्ट जो लोग होते तो हैं वो करते हैं ठीक है उसके बावजूद ऑब्वियसली हर बंदा तो फार्म फार्मेसी पर जाकर नहीं दवाइयाँ लेगा उसको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा क्योंकि उसका रोज़ का काम है तो उसको उसको ढूंढने के लिए पहले डिफरेंट तरीके का आते हैं लोग ऐड लगाते थे अखबारों में जंग में डॉन में इशारा देते हैं अब डिफरेंट वे अब आपको गूगल करना पड़ता है कुछ गूगल रिव्यूज से पूछना पड़ेगा कुछ आपको उसके सक्सेस स्टोरी है लेकिन यहाँ देखिए वो कहते ना लॉ बनने से पहले लॉ ब्रेकिंग पहले होती है राइट right. गूगल रिव्यूज भी अब लोग फेक, लो फेक बना लेते फेक बना लेते हैं देखिए बहुत आसान है जिसने समझना है ना उसके लिए तो बहुत आसान है हाँ. जिसे नहीं समझना उसके लिए नहीं आप जाकर देखें एक डॉक्टर के पास से आपने मशुरा लिया दूसरे से भी तो ओपिनियन लेते हैं ना hmm. गो टू टू थ्री पहले चार पांच आप टॉप कंसल्टिंग फॉर्म्स को निकाले एक दुकान आज आप मैं लिटरली आपको बता रहा हूं कि आज का दिन भी अगर होगा तो कोई ना कोई एक इमिग्रेशन कंसर्ट की दुकान खुल रही होगी खासतौर पर मिडिल ईस्ट में अगर आप बात करें या कराची पाकिस्तान में आप बात करें तो हर दिन कोई ना कोई दुकान खुलती है उसका एक एड फेसबुक पे आता है या तो कोई अच्छा सा नाम लिखा जाता है हाँ। या फिर इमिग्रेशन बाय दिन दैट होता है वो बड़ा आसान है ना आजकल एक वेबसाइट बना के चार लोगों के रिव्यूज डालना लगेगा यार तीस साल से ये लोग ये काम कर रहे हैं बट आपको पीछे पता ही नहीं है ऑफिस तो तो है नहीं है क्या और खासतौर पर कैनेडा में अभी आप देखें बहुत बड़ी हवा चली उसको भी मैंने काउंटर किया विजिटर वीजा पाकिस्तानियों के लिए आसान हो गया यूं जा रहे हैं ठीक है वन सेवनटी नाइन बी क्लॉस हटा दिया है आप इतनी बड़ी बेवकूफी है आप हो हैं पहले तो बात ये आप हैं कौन बात करने है? देखें वो जो आपने कहा कि रिसर्च कर पहले तो ये है कि कनाडा के लिए आपको ऑथराइज एजेंट या रजिस्टर्ड कंसल्टेंट होना चाहिए अच्छा जैसे मेरा है मैं हूँ ऑथराइज एजेंट राइट गवर्नमेंट ऑफ कनाडा से गवर्नमेंट ऑफ कनाडा से उसको आपको मैंने अपनी वेबसाइट भी लगाया वे, हुआ हाँ टू और बहुत सारे पॉडकास्ट भी बनाए हैं उसमें लिखा है हाउ हाउ टू टू आइडेंटिफाई सर्च कि आपने रजिस्टर्ड कंसर्न को कैसे फाइंड आउट और आप गवर्नमेंट की वेबसाइट से वेरीफाई कर सकते बिल्कुल वेरीफाई कर सकते उसका भी right. वीडियो बना के भी रखी लगी हुई है लेकिन लोग रिसर्च करेंगे अक्सर लोग पूछ भी लेते हैं क्योंकि किसी के पास टाइम भी नहीं है सर आप बताएं आप हैं कि नहीं है फिर <laughs> हम उनको लिंक भेजते हैं चीज़ें करते हैं डिस्कस तो सबसे पहला काम जो ये बात करता है यूट्यूब पे या आपका टिकटॉक पे खासतौर पर कोई सिंगर है मैंने देखा है कोई एक्टर है मैंने देखा है लोग भाई आपकी स्टैंडिंग क्या है ये 20 साल का ट्रैक रिकॉर्ड और पास्ट आपने इतने हज़ारों लोगों को भेजा है क्योंकि मैं वो वाहिद कंसल्टेंट हूँ जिसके जिसने अपने सिर्फ ये तो ना अपने रिव्यूज़ लगा दिए मेरा जो सक्सेसफुल स्टोरी होती है तो मैं उसकी कवरेज करता हूँ बताता हूँ ये करता हूँ वो आइडेंटिफाई लोग बचाने देते हैं हाँ ये तो जानने वाले तो पता चलता सच, है कि भाई सच सच ही है कोई ऐसा नहीं है और आप कितने लोगों को जमा करेंगे <laughs> राइट <राएग। laughs> अगर फेक भी करना तो एक तो यह है कि कनाडा के मामले के अंदर जब आप खासतौर पर डील कर रहे हो तो ऑथराइज एजेंट से करें रजिस्टर्ड कंसल्टेंट से करें कैनेडियन अगर हो तो ज्यादा अच्छे हैं पाकिस्तान में काम कर रहे हैं सर बहुत सारे सब मेरे भी फैमिली के अंदर हैं तो वो लोग भी कर रहे हैं लेकिन ये भी कोई बात ना मानने के लिए तैयार है ना समझने के लिए तैयार है और अब जो चूंकि मैंने एक एक, एक फायदा तो हुआ कि मैंने मैंने जो है वो ये इतनी तो तालीम लोगों को दे दी कि ये, ये बात कही सच बोलना है तो हाँ। अब वो इसका भी सहारा लिया जाता है कि भाई वो ऐसे ऐसे करो मतलब यह कहना बहुत अच्छे पॉजिटिव देखिए ठीक है पॉजिटिव आपको जो है रहना भी चाहिए और पॉजिटिव पोर्ट्रेट भी करना चाहिए बट अगर उसके अगेंस्ट आपका सिर्फ एक मकसद हो मुझे पैसा कैसे पीटना है बनाना हाँ है तो वो फिर आपका शॉर्ट टर्म पे तो बन जाएगा लॉन्ग टर्म पे जब मार खाएंगे तो वो फिर शॉर्ट तो डालेंगे yeah. मुझे पता है आपने मेंशन uh, किया कि यू ओनली वर्क विद और जनरली इमिग्रेशन वर्क्स वेल हाईली क्वालिफाइड फोक्स राइट मसला ये है ये चीज ना बड़ी रिलेटिव होती है एक एवरेज जो दुकान पे एक लड़का काम कर रहा है आठवीं जमात पास करके लिए उसके लिए हाईली क्वालिफाइड वो है जो यूनिवर्सिटी चला गया यू नो सो आप अगर इसको डिफाइन करें कि व्हाट्स द एवरेज पर्सोना ऑफ अ हाईली स्किल्ड इंडिविजुअल एक व्हाट सॉर्ट ऑफ एन इंडिविजुअल हैज हाई चांस ऑफ बींग बेहतर करें कि हाईली स्किल्ड कहें और हाईली क्वालिफाइड देखिए हाईली क्वालिफाइड से हमें ये नहीं समझना चाहिए कि कोई मास्टर्स प्लस है पी है तो वही होगा या किसी ने बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी कोई मैटर नहीं करती इमिग्रेशन के पॉइंट सिस्टम के अंदर ग्रेड्स भी मैटर नहीं करते आपके अच्छा आपने एक चार साल वाली तीन साल वाली बैचलर्स डिग्री आपने हासिल की है ठीक है या मैथर्स डिग्री आपने हासिल की है highly highly और हाईली क्वालिफाइड हाईली स्किल्ड और आपके पास दो चार पांच छह साल का एक्सपीरियंस है डिपेंडिंग अपॉन आप किस तरह से ये सारा का सारा कैलकुलेशंस का गेम होता है तो उसके अंदर अब आप देखेंगे कि कोई भी जो चार साल की डिग्री जैसे बी है हमारा बी है हमारा ठीक है ना और उसने दो चार साल का एक्सपीरियंस हासिल किया है तो वो अप्लाई कर सकता है जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज है राइट right. खासतौर पर हम बात करेंगे कि इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री के अंदर ये दो फैक्टर तो अपनी जगह पर बट उसके साथ आपके जबान जिसको कहते हैं कि लैंग्वेज असेसमेंट लैंग्वेज प्रोफेसेंसी बहुत अच्छी होनी चाहिए राइट right. अगर लैंग्वेज प्रोफेशन नहीं है और मैं लेके आ रहा हूँ चार पांच बैंड आइल्स के अंदर हाँ। तो तब भी मेरा नहीं होगा लोग मुझसे सवाल करते हैं कल वो, वो बैंड है और साढ़े पांच से मुझे ऊपर नहीं आ रहे आप कुछ जादू चलाए ना <laughs> या आप कुछ बताएं पाकिस्तान थोड़ी है कि इधर से इसको इतना दिया उधर से उतना दिया <laughs> तो अभी तक वो जुगाड़ पे चल रहा है ना <laughs> तो दुनिया चांद पे जा रही है हम जुगाड़ पे जा रहे हैं जनरली अगर ओवरव्यू है क्या क्या कौन सी कंट्रीज हैं गिव है चले लेट्स लेट्स प्ले ग्रेट लाइक दिस मैं थर्टी थ्री ओल्ड होल्लू राइट थर्टी थ्री हो जाऊंगा बीस महीने इंशाला और मैंने कंप्यूटर साइंस की डिग्री की हुई है सही है। और आठ साल पहले गालिबंद में ग्रेजुएट हुआ सही और उसके बाद मैंने दो साल इंडस्ट्री में जॉब किया और उसके बाद से मैं फ्री लांस ही गया फ्री लांस एक तरह से कर ले मेरी अपनी कंपनी है बिजनेस है और मीडिया डिजिटल मीडिया है मेरे लिए बड़ी कंफ्यूजिंग सी होती है बिकॉज मैं सोचता हूँ कि यार वैसे तो अलहद By any definition of the word, I I I have have been very successful in what I have done. दो दो But will other people realize this? Because it's new industry है पर ऑबली सारी चीजें आएंगी और इसको रिकोगनाइज किया जाता है जिसको आप वर्ड फ्रीलांस भी यूज करते हैं बिजनेस भी करते हैं a इन सेल्फ एम्प्लॉयड right. पोजिशन yeah.

अब मुझे बताएं कि मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है देखिए ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया

वो लाइकली सेल करते हैं ज़्यादातर आपको पता है स्कैमर्स भी करते हैं और उसको जुगाड़ वाले जो काम होते हैं मैं चूंकि नहीं करता उसमें जुगाड़ वाले कामों के अंदर नहीं जाता हूँ सॉरी टू यूजिंग द स्लैंग लैंग्वेज बट थिंग इज के uh, ये, ये हमारा एक शेवा है ना कि हम लोग उसी उसी पर चल रहे हैं जनरली अब क्या बेचते हैं लोग? वो लोग बेचते हैं कि जॉब ऑफर लेकर

वाजे वजह मैं आज आपको बता देता हूँ कि उसके एग्जाम्पल्स से कि मेरे पास लोग जब आते हैं डिफरेंट सिटीज़ से इस्लामाबाद से कराची से पाकिस्तान लाहौर से वो कहते हैं यूके स्टार्टअप करा दो बिजनेस प्लान आप खुद बना के दो <laughs> मैं मैं बड़ा हैरान होता हूँ दो आप, आप इंटरव्यू आ... कैसे दोगे आप वहां पर जाकर गवर्नमेंट को बेवकूफ कैसे बनाओगे कि आपने जो आप इनोवेटिव आइडिया लेके आए थे जो कंसर्न ने अपनी जेब से निकाल के दिया था हा... कम ऑन आप कुछ तो नहीं, मुझे और कुछ नहीं गवर्नमेंट बेवकूफ नहीं है ना वो दो तीन महीने देखेगी कि यार पाकिस्तान से एक आया प्रॉब्लम दूसरा आया प्रॉब्लम तीसरा आया प्रॉब्लम पाकिस्तान बैन होगा जो बेचारा एक्चुअल स्टार्टअप करने जा रहा था वो भी नहीं जा सकेगा अब इनोवेटिव फाउंडर कर दिया उसको मिक्स कंबाइन करके राइट हजार पाउंड से वो ले रहे हैं एनालिसिस करने के पेचिंग के लिए अच्छा और आधा एक घंटे का इंटरव्यू भी लेंगे आपसे राइट तो जिसको भी पेश करो तो भाई एक हजार पाउंड इस वक्त अलग से फीस हाँ। वगैरह देने के बाद अलग से एक हजार पाउंड आप देंगे तो चार पांच लाख रुपए तो वैसे ही वो बन जाता है हाँ। तो उसके लिए तैयार नहीं है right. स्टार्टअप हम करने के लिए तैयारी हमारे यहां से स्टार्टअप जा रहा है वापस हाँ कितने स्टार्टअप आप देख रहे नाम ले के कि वो सारे बंद हुए हैं। और अभी रिसेंट पास के अंदर तो वो इसीलिए हो रहे हैं कि हमारी वो सोच स्टार्टअप वाली नहीं है मेक सेंस कैनेडा एंड ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं um, क्या वट यू रिकमेंड देखिये आई वाला हो ठीक है मार्केटिंग uh, वाला हो अकाउंटेंट हो उसको ऑस्ट्रेलिया करना चाहिए था लेकिन आज की तारीख तक मैं अब लोगों को मना कर रहा हूं मना इन सेंस में थोड़ा सा वट आर दान्स ऑफ अच्छा माई वाइफ ठीक है ठीक है माई अंडरस्टैंडिंग के ऊपर uh, अच्छा, अच्छा है मास्टर्स डिग्री के पॉइंट्स मिलते हैं राइट right. ठीक है ना और डेंटिस्ट uh, वगैरह जैसे हाईलाइट किया हुआ और और रिक्वायरमेंट बड़ी तो हुई तो है हाँ प्राइमरी अगर दो से तीन साल का एक्सपीरियंस है तो तीन साल का है तो फोली पॉइंट्स मिलेंगे और आइट्स में बहुत अच्छा सी एल बी नाइन करें तो वो वो क्वालिफाई इजीली कर सकते हैं वेट करना पड़ेगा क्योंकि देखेंगे कोई भी स्किल इमिग्रेशन पॉइंट सिस्टम बैलेटिंग के बगैर नहीं है राइट right. बैलेटिंग में आपको प्री रिग्विजट करके आना होता है और वहां पर दो कैटेगरीज होती हैं तो फेडरल का जो मेन प्रोग्राम होता है और या फिर प्रोविंशियल प्रोग्राम्स या स्टेट्स प्रोग्राम कहलाते हैं

प्रायरिटी होती है किसी की सिबलिंग है वो जल्दी पिक हो जाएगा अगर अल्बर्टा में ही आपके सिबलिंग रहे मिथ है और प्रोविंस हो गया हैं फेडरल के अंदर कट ऑफ पिछले दो तीन साल से बहुत हाई रहा है राइट तो इस वजह से लोग बड़े नाउमीद भी रहते हैं कि फेडरल तो नीचे आता ही नहीं है फिर मैं वही एक मशहूर जुमला कहता हूँ कि घबराना नहीं है तो आपने आपने जो है वो इस्तकामत रखे और पूल में आए लोग बाहर बैठ के जो है ना ऐसे ही जैसे बाहर बैठ के मैं कमेंट्री करूं राइट right. मुझे खेलना पड़ेगा ना मैदान में तो आए पूल में आप है नहीं किसी वक्त भी रिडक्शन होती है तो दाँग दाँग है, आप, हाँ। आप सिलेक्ट हो फिर अगर कहते अरे ड्रॉप डाउन हो गया ना, अब मैं अप्लाई करता हूं अगर वो दोबारा से कट ऑफ नहीं आएगा तो क्या करेंगे इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो साल भर दो साल के पूल बनाते हैं और आपको जो है वो पूलिंग सिस्टम दिया गया है इस बात को समझने की जरूरत है और यह समझने की जरूरत है कि कंसार्डन काम टू इम्प्रूव टू इन्हैंस दफ सक्सेस है राधा देन जो है वो गारंटीज के आप सौदे करते रहे hmm. कि जो लोग आ जाते हैं वहां पर यार आपने तो कहा था तो हो जाएगा एलिजिबिलिटी का आपको बताया था कि हो सकता है हो जाएगा लेकिन ये तो कोई लिख के जो भी एक बात करता है आज आपके पॉडकास्ट के जरिए से भी जो लोग देखेंगे भी तो उनको भी खासतौर पर यह हिदायत है कि देखें देखे, आपको गारंटीज जो है वो नहीं लेना चाहिए अगर कोई गारंटी दे रहा है तो जनरली मोर ऑफन नॉट कोई इस काम ही कर रहा है देखिए यही होता है ना अब हमारे यहाँ चूंकि मिजाज हो अब मैं ये जो बात करता हूँ कि मैंने बहुत खींचा है को भी ना मैंने है। सोचा है कोशिश की है कि यार उनको हिदायत भी थोड़ी सी हो जाए कि देखिए कंपटीशन करें लोग सब मुझे भी कहते देते यार ये तो शायद अपना आप जो है ना वो नरेटिव बिल्टअअप कर रहे हैं मेरा मुझे इससे क्या फायदा हो रहा है मुझे मैं तो लोअर स्किल वर्कर्स पर तो काम ही नहीं करता ज्यादा फ्रॉड्स भी लोअर स्किल वर्कर्स के ऊपर होते हैं हम तो हाईली स्किल के ऊपर लेकिन सबको समझाना एक ही उसमें आप समझाएंगे कि आप जब तक ये अब अब ये बात कही जाएगी कि अवाम का भी उतना ही अमल दखल है उतना ही कसूर है कि जितना कंसर्न का है तो आपके डबल शाह ट्रिपल शाह इसलिए बनते हैं कि जब आप बनते हैं बेवकूफ हाँ। आप, आप ना रिसर्च कर रहे हैं ना आप देख रहे ना आप सुन रहे हैं आपको कोई भी एक बंदा उठ के कहता है या एड लगा देता है कि ना नो ऑइल्स नो फंड नो नथिंग सिर्फ आप जो है वो पासपोर्ट कॉपी लेके आ जाओ इतने पैसे डन कर दो हाँ मतलब देखें मुफ्त का दुनिया में कुछ भी नहीं होता मतलब मुफ्त मेहनत के बगैर कुछ भी नहीं, आप नहीं। right? so शौर्टकर्ट करते शौर्टकर्ट पे, फिर कर दी तो एजुकेट होना पड़ेगा कि आपको अगर बचना है तो गारंटी पे फॉर दर्विसेज नॉट फॉर गारंटीज मी अबाउट अर्ली ऑन व्हेन यू वर टॉकिंग अबाउट लाइस फॉर सेल्फ फॉर बिजनेस फोक्स जिन्होंने एजुकेशन ली उसके बाद वो सिमिलर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं अगेन मैं अपना वो कर लेता हूँ कि मेरी आई की इंडस्ट डिग्री है दो साल मैंने आई का काम भी किया नहीं। नहीं। लेकिन अब मैं जो काम कर रहा हूँ वो आईटी के अंदर आप स्ट्रेस के आप उसको डाल दें डिजिटल <laughs> मीडिया का राइट

कहीं आप इनकम अपना इनकम टैक्स से या अपनी इनकम स्टेटमेंट से दिखाते हैं right. कहीं आपके पास कोई रजिस्ट्रेशन होती हैं। right. जब तक आपके पास है आप उसको क्लेम कर सकते किया जाता है और इनकी अपनी ऑक्यूपेशन एनओसी कोड मौजूद है अच्छा इंटरेस्टिंग सो द डिफरेंस हेर इज आपने निजाम के अंदर वो पाकिस्तान में जो टैक्स चोरी <laughs> है उससे हटके आपने एक सिस्टम में आना है सिस्टम आने। आप स्किल्ड uh, uh, में भी जा सकते हैं स्किल में जैसे फॉर एग्जाम्पल लोग आते हैं कहते हैं कि ना विजिटर वीज़ा जो आजकल में हमने बात कर रहे थे कि बड़ी शोर चला हुआ है नो बैंक स्टेटमेंट नो नथिंग तो भाई आप बगैर बैंक स्टेटमेंट के आपने कुछ बनाया है नहीं है और कह रहे मुझे कनाडा भेज दो हाँ कहीं गए भी नहीं है कनाडा आपको फिर मैं ये बात करता हूँ देखिए अगर करना भी है मेरे पास आए हो तो मैं आपको कहूँगा कि भाई छः महीने में तैयारी करो राइट एक स्कूल का बच्चा जो है वो इम्तहान में बैठ जाए तैयारी किए बगैर और एक्सपेक्ट करें मुझे पास हो जाएगा कैसे मुमकिन हो सकता है Right. आपको तैयारी करना चाहिए प्रिपेयर करना चाहिए अगर आप अभी नहीं तो अब आप, आपसे आप एक साल तक का अपना बनाए दो साल का बनाए अप्लाई करें Instead of के जो मेरा पीछे और मेरे पास कुछ भी नहीं है अब आप लो जी मुझे अप्लाई करा दो तो वो काम बनेगा नहीं सिवाय सिवायल्टेंट के सिवाय मेरे पैसे बनने के कोई uh. काम नहीं होगा आपका काम नहीं होगा हो, हो। uh. <laughs> तो ये दो तीन चीजें बातें प्रिपरेशन देखें कोई कंसल्टेंट आपकी एजुकेशन नहीं बढ़ा सकता राइट कोई कंसल्टेंट आपके जो है वो लैंग्वेज असिस्टमेंट में आपको पास नहीं करा सकता ठीक है एक्सपीरियंस के अंदर चले आपको आइडिया गाइडेंस आपको मिल सकता है चीजें कर सकते हैं लेकिन कुछ जो चीजें मेन मेन मोटी मोटी जो चीजें हैं वो आपने करने, वो तो करनी। आपने करनी ही करनी है यहां पर भी एक्सपीरियंस में गाइडेंस आपको मिलेगी एक्सपीरियंस बना के तो कोई नहीं आपको देगा देगा और जो देगा, वो जाली हो जाएगा फिर द एवरेज कॉस्ट फॉर वेरी करता है ऑस्ट्रेलिया थोड़ा सा इन टर्म्स ऑफ फीस महंगा है hmm. एक सिंगल बंदा भी अगर अप्लाई करे तो 12-15 लाख रुपए तो उसके पाकिस्तानी रुपीस में अगर बात करें तो वो जाएंगे जाएंगे ऑफिशियल फीस की मद में अगर फोर सिक्स फोर जीरो डॉलर हो गई है अच्छा एक एप्लीकेंट की सो बारह पंद्रह बट बारह पंद्रह लाख लट से बीस लाख लगा अभी आगे डॉलर और बढ़ <laughs> तो बीस लाख रुपए में वो लैंड कर जाएगा हाँ सिंगल अगर है तो कर रहा है फैमिली ये तो दो चार लाख रुपए अपने और ऐड करने होंगे फॉर एग्जांपल तो इस तरीके से आपका जो है वो होता है कनेडा थोड़ा सस्ता है क्योंकि कैनेडा में आपको प्रूफ ऑफ फंड चाहिए होता है मतलब आधा आधा कॉस्ट आपकी होता है अगर बीस बाईस लाख रुपए लग रहे हैं तो दस ग्यारह लाख रुपये आपको लगेंगे ठीक के लेकिन प्रूफ फंड दिखाना पड़ेगा कितना कोई सिंगल बंदा है डॉलर के तो आपका, आपका uh, लीजिए कि, कि दो सौ से भी और अब तो ऊपर चले गए तो आपको पच्चीस छब्बीस लाख रुपए से तो ऊपर की देखना चाह रहे हैं क्या आप वहाँ पे जब लैंड करेंगे तो आपके पास कुछ रनवे होना चाहिए जब तक आप जॉब ढूंढ रहे हैं जब तक आप गवर्नमेंट में ना पड़ जाए गवर्नमेंट में ना पड़ जाए राइट ऐसा हुआ है कि किसी ने अप्लाई किया और तीन महीने छह महीने में उनका आ गया और वो हाँ बहुत होता है अच्छा बहुत होता है।, है लक है मतलब किस जो बेचारा फारिक बैठा हुआ है बेगम ने कोई काम नहीं दिया हुआ <laughs> कि सब्जी तो वो उसका तो बहुत जल्दी हो जाता है छह महीने बट उसका वो वो ट्रेंड नहीं आता जब हमसे कोई पूछता है या मुझसे कोई असमेंट लेता है तो हम वो हम वो जो जनरल ट्रेंड टाइम है वो बताते हैं क्योंकि ये एक्सेप्शनल केस है right. मैं अगर किसी को ये बेच, बेच कर बोलकर बेचू कि छह महीने में हो जाएगा तीन महीने में हो जाएगा होगी जनरल क्या है टाइम अब बारह से पंद्रह महीने अब हो गया है दोनों का साल डेढ़ साल आराम से लग रहा है लोगों का आफ्टर सिलेक्शन और आफ्टर सबमिटिंग द पी आर एप्लीकेशन तो डेढ़ साल आराम से जा रहा है ये जल्दी हो सकता है जैसे हमने डिस्कस भी किया बट वो टोटली लक होगा आपका इतना टाइम होना चाहिए क्योंकि जल्दी होगा तो आप खुश ही होंगे ठीक है ना अगर मैं आपको बता दूँ छः महीने में और वो हो रहा है डेढ़ साल में तो एक बंदा फ्रस्ट्रेड वैसी होगा कि यार वैसे हाँ। मुझे जाने को नहीं मिल रहा पाकिस्तान असल में वो मैं एक बड़ी बेसिक बात करता हूँ ना कि बिजनेस के अंदर इट्स ऑलवेज गुड टू अंडर कमेट ओवर डिलेवर आप ओवर कमेट करके अंडर डिलीवर करेंगे तो लॉन्ग टर्म में मार खाएंगे आप वो बताएं जो कि चांसेस इसके हाई हैं और फिर ट्राई टू बीट दैट मुझे ये बताएं कि जनरली व्हाट आर द प्रोफेशन लाइक वट सॉर्ट ऑफ अ परसोना हैज़ अ हायर चांस जिसका होता है ना आप कहते हो कि यार फॉर एग्जाम्पल बड़े अरसे हम देखते आ रहे हैं कि IT है। know, है है, आई टी की बड़ी डिमांड रही है आई डो नो अब इस वक्त है कि नहीं है बट आई टी की बड़ी डिमांड रही थी पाकिस्तान में आई टी के लोगों को पता ही नहीं था वो यहाँ पर बेचारे जो है ना बस यार मज़ा नहीं आ रहा काम नहीं हो रहा ये नहीं हो रहा वो कोशिश करते रहते थे कि बाहर से कोई हमें नौकरी दे दे और घसीट के बुला ले हालांकि हैव थ्रू इमिग्रेशन राउट एंड वहां पर बहुत इजीली जॉब्स भी मिल रही थी पूरा करियर सेट हो रहा था तो वॉट आर का काम कर रहा है वो अगर अप्लाई करें तो बड़े दो तीन सुनहर आपको बताता हूँ एक तो बहुत सिंपल है जो लोगों को पता है जैसे आपने भी कहा आई टी वाले हैं ठीक है ना इंजीनियर्स हैं डॉक्टर्स हैं नर्सेज हैं ठीक है ना मार्केटिंग वाले हैं ठीक है ये बहुत सारे हैं बैंकिंग में लोग होते हैं तो बहुत सारे लोग होते हैं जिसको हम क्वालिफाइड भी कह रहे हैं चीज़ें भी कह रहे हैं जिनको बैचलर्स डिग्री चाहिए ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा अप्लाई होता है और कर रहे होते हैं लेकिन एक बहुत बड़ी चीज़ है जो हमारे यहाँ हमारे यहाँ फुकदान है हुँ. वो ये है कि जैसे कारपेंटर्स अभी सेमे स्किल्ड है हमारे प्लम्बर्स हो गए लाइक हमारे पास इलेक्ट्रिशन्स हो गए हाँ. राइट पाकिस्तान में आपको बहुत रेयर केस होगा कि कोई इलेक्ट्रिशन आपको या प्लम्बर आपको कोई आपको जो है वो क्वालिफाइड क्वालिफाइड इन सेंस कि कम से कम कोई डिप्लोमा सर्टिफिकेट हो हमारे सर्टिफिकेट्स नहीं होते आ, ये इतनी डिमांडिंग है हमारे पास टीचर्स हैं हर बंदा टीचर बन जाता है बी डिग्री एमएससी डिग्री एम डिग्री ठीक है ना बाहर ममालिक में ये लाइसेंस प्रोफेशन है रेगुलेटेड प्रोफेशन है और रेगुलेटेड प्रोफेशन होने की वजह से आपको लैंग्वेज असेसमेंट की रिक्वायरमेंट होती है और आप रेलिवेंट क्वालिफिकेशन हासिल करके नहीं आए हुए होते हैं एड होना चाहिए एमएड होना चाहिए या हाँ। कोई आपने डिग्री हासिल किया होता है तो ये टीचर्स ऑस्ट्रेलिया के अंदर हाई प्रायोरिटी के अंदर है अच्छा कैन यू इमेजिन उनका प्रोसेस दो चार महीने छह महीने में हो जाएगा ये गवर्नमेंट ने लिखा हाई प्रायोरिटी के अंदर है तो हमारे पास कितने टीचर्स हैं जो एड बैंड स्पीकिंग एड बैंड लिस्निंग के अंदर आइज कर रहे हैं नहीं करते और फिर बी एड एम एड भी नहीं होता तो वहाँ क्रॉस कर देते हैं कि भाई ऐसा आप नहीं होगा फिर जो हमने बात की कि, कि दूसरा सुनारी जो हम बात करें कि जो लोग बहुत ज़्यादा नहीं अप्लाई करते हैं और वो जो सेमी स्किल्ड या टेक्निकल स्किल्स जिसको हम कहते हैं सही वर्ड है टेक्निकल स्किल्स जो हैं जो कि टेक्नीशियन साइड के ऊपर हैं मेंटेनेंस साइड के ऊपर हैं है, और ये कारपेंटर्स हैं ये ये लोग तो आते ही नहीं हमारे हमारे मुल्क से तो ये जाते ही नहीं तो फिर वो हमारा होता है कि फिर थोड़ा इधर उधर डंकी पर चले आते हैं कर लेते हैं अगर हमारा प्रोफेशनल जो जो ये हालांकि हमारे यहाँ तो रिकोगनाइज नहीं है एक कारपेंटर सही से हाँ। तो उसको बड़ा ही कहते हैं और आ, आ जाता है बाहर वाले के हाईली पेड होती हैं ट्रक ड्राइवर्स हाँ। अब ट्रक ड्राइवर्स जो है वो हाईली पेड है कैनेडा के, के अंदर हाँ। एक नॉर्मल मेरा आप जितना भी बंदा नहीं कमाएगा जितना जनरल ट्रक ड्राइवर कमाएगा क्योंकि बहुत मुश्किल जॉब है सिक्योरिटी वाले तो मैं ही बात करूंगा कि जो ये जो प्रोफेशंस हैं इसके अंदर सही से अगर आप अपनी स्किल्स को डेवलप करें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करें और एक सतही लेवल की इंग्लिश भी समवेयर अराउंड सिक्स बैंड फाइव बैंड अगर आपका है तो डिफरेंट आपके पास प्रोग्राम आपको मिल जाते हैं तो टेक्निकल स्किल्स वाला फाइव सिक्स बैंड पे जा सकता है हाँ प्रोमेशन नॉमली प्रोग्राम्स में अंदर गुंजाइश होती है क्योंकि ये इतना डिमांड में नहीं होता तो आप एक आते हैं कोई ना प्रॉब्लम तो ट्राई योर लक इंस्टेड ऑफ हाँ। सेटिंग आउटसाइड और वेटिंग के कोई मोमेरिकल हो जाए ये हमारे यहाँ नहीं होता तो मैं आज इस हालांकि मैं ये बात नहीं करता या मैं नॉर्मली नहीं वर्कआउट करता हूँ लेकिन मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो अपने आप को आज से वर्क करें प्रिपेयर करें कोई अगर टेक्निकल स्किल्स में जा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल आप आई की बात कर तो आई में सिर्फ आई मैनेजर ये सॉफ्टवेयर डेवलपर ये नेटवर्क वाले तो नहीं होगा आई hmm. टी टेक्नीशियन भी तो होता है अब hmm. आई टी टेक्नीशियन जो वो हाईली पेड है दूसरे को hmm. लेकिन आई टी टेक्नीशियन पर ना कोई अप्लाई करेगा हमारा ऊपर वाला ही नीचे में अप्लाई कर रहा होता है हाँ, ऐसे हाँ, ऐसे ही, ही। कर वो करेगा और फिर वो इवेंचुअली वो कहता है कि यार ये देखो तेरा मैं बाहर आया और मैं बुरी जॉब कर रहा हूँ यार तुमने अपने अपने से ऊपर क्यों नहीं एम हायर किया और नहीं नीचे वाले वाले ने ऊपर पे क्यों नहीं एम हायर किया ऐसे बिल्कुल तो ये कुछ जो चीज़ें हैं जो सीनारी हैं उसके अंदर जो मेजर इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज के अंदर है वो है लैंग्वेज असेसमेंट के ऊपर तवज्जो देना हम सिर्फ और सिर्फ स्किल्स के ऊपर लगे हुए एक सवाल आपने ऑफि कहा था कि जो जो स्किल्स के बारे में कि स्किल्स करना है तो आप देखें कि ना हाईली क्वालिफाइड हो या क्वालिफाइड हो उसकी वैल्यू क्या है आज हम कहते हैं कि ना डिग्रीज कोई मायने नहीं है हाँ, ठीक है ना हाँ. हम कोई भी कुछ भी बन जाएंगे और कुछ भी हो जाएगा बड़ा पैसा कमाने की बड़ी तरतीब है देखिए ठीक है पैसे के बनाने की तो तरतीब है बट अगर आपको इमिग्रेशन चाहिए इस बड़ी कंट्रीज के लिए हाँ. वो खुद तो अपने आवाम को कह रहे हैं कि स्किल्स करो लेकिन डिमांड आपसे क्या कर रहे हैं बैचलर डिग्री के, के बगैर पॉइंट्स नहीं मिलेंगे हाँ मास्टर डिग्री के बगैर पॉइंट्स नहीं करेंगे और वो अंडरस्टैंडेबल है ना उनके लिए उनको वेरीफाई करना है यार उनको क्या पता कि इतनी दुनिया दूर जो है कोई बंदा है वो झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है तो, तो वो उसको यूज़ करते हैं हाँ। तो डिग्री को तो दोनों चीज़ें आपको चलानी है स्किल्स भी अपने अपने पॉलिश करनी है और साथ में अपनी क्वालिफिकेशन को भी आपने करना है मुझे एक बात बताएं आपके पास लट से बंदा आता है आके बताता है कि यार मैं ऐसा हूँ मुझे ये चाहिए आप कहते हैं यार नहीं तुम्हारी ये वीकनेस है तुम क्वालिफाई नहीं करते अच्छा मैं अमेरिका में देख रहा था सॉरी इंडिया में देख रहा था क्योंकि यहाँ पे दुबई में आपको एड्स आते हैं बहुत है। इंडिया वाले भी आ जाते हैं तो मैंने देखा कि वहाँ पर ना पूरी एक इंडस्ट्री इंडस्ट्री खड़ी हो चुकी हुई है जिसमें और जब इंडस्ट्री होती है ना तो इंडस्ट्री का नाम इंडस्ट्री इस वजह से होता है बिकॉज एक कम्पोनेंट एक चीज़ के पीछे एक कम्पोनेंट नहीं होता बट बहुत सारे कम्पोनेट्स मिल उसको हेल्प कर रहे हो गए ये चीज़ मैंने नोटिस की कि ना सिर्फ इमिग्रेशन है बट इवन जॉब्स में हमारे यहाँ बस आप कंसल्टेंट हैं आपके पास बंदा आता है कहता है यार ये मेरी प्रोफाइल है मैंने अप्लाई करना है आप कहते हैं यार नहीं हो सकता वो चुप करके या तो घर चला जाता है या अगला बंदा उसको चूना लगाता है इसी प्रो, इसी चीज का एक ऑल्टरनेट है वो आपके पास आता है आप कहते हैं ये नहीं हो सकता नहीं। ये ये तुम्हारी वीकनेसेस हैं इनको बेहतर करो कल आ जाना वो बंदा जाता है और उसके पास ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो कि उन चीजों में फोकस कराते हैं परटेनिंग टू दिस रिक्वायरमेंट राइट अब अगर फॉर एग्जाम्पल किसी इंग्लिश लैंग्वेज खराब है तो इंग्लिश लैंग्वेज तो दस लोग सिखा देंगे लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज फॉर आई कितने लोग सिखा रहे हैं द टारगेट टूवर्ड्स इमिग्रेशन पर सो आपके केस में ऐसे नोट्स uh, एग्जिस्ट करते हैं जहां पर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई आता है वो कहते हैं यार ये मेरी वीकनेस है तो आप जाके उसको रेकमेंड कर सकते हैं कि यार इमिग्रेशन स्पेसिफिक स्किल्स के लिए तुम यहाँ जाओ ये बंदा तुम्हें तुम्हारी सर्टिफिकेशन में तुम्हें हेल्प कर देगा यहाँ जाओ तुम्हारी लैंग्वेज में हेल्प कर देगा ये अभी तक ये नोट्स नहीं डेवलप हो रहे हैं काफी हैं हम भी करते हैं मेरे पास तो माई आइट्स अमेरिकन बेस्ड कंपनी है मैं उसका भी ऑथराइज हूँ तो मैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे देता हूँ अपने अपने चैनल से कि आपको हेल्प करनी है ना हाँ। और कहीं अगर आपको लगता है मैं चूंकि थोड़ा सा इसमें ख़ाइफ रहता हूँ थोड़ा सा मैं अवॉइड करता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा मुजम्मल के पास चले जाएं आप और उनसे पढ़ लें हाँ। और मुजम्मल भाई भी जो है ना वो आगे से हाँ। और अपना ही चूरन बेच दें या कुछ हो जाए तो वो क्या हाँ। कहेगा तो उसको तो बुरा कहेगा करेगा वो मुझे भी बुरा कहेगा जिसने रिकमेंड किया है तो मैं नॉर्मली ह्यूमन और या अपने कुलिस को रिकमेंडेशन में थोड़ा सा कतराता हूँ है हमारे पास रिसोर्सेस भी लेकिन मैंने एक ली हुई है और उनको बता दूँ और ये बहुत रोजमर्रा की मेरी काउंसलिंग के अंदर होती है और कंसल्टेशन के अंदर होती है कल ही एक मैसेज आया था, तो मैं शायद आपको दिखाऊं भी उन्होंने कहा थैंक्स फॉर योर ऑनेस्ट एडवाइस बड़ा अच्छा आदमी है तो क्योंकि उन्होंने कहा भाई ई बी टू मैंने कहा फिफ्टी ईयर्स है नहीं होगा टीचिंग एक्सपीरियंस है प्रोफेसर होते तो मैं शायद ई बी टू पर लेता भी ah. मैं नॉर्मली लोगों को मना करता हूँ और उसमें कुछ लोग उसमें से दस में से कोई एक आदमी बेचारा नाराज भी हो जाता है कि फलाना फलाना तो कह रहा था आपने क्यों मना कर दिया और आप मना कर रहे हैं तो उनको या तो ये बताया जाता है कि भाई आप अपनी ये ये चीज़ों को इम्प्रूव करें खासतौर right. तो पर विजिटर वीजा में ये बहुत होता है हाँ. इमिग्रेशन में होता है कि भाई आइल्स आज ही मैं एक मीटिंग भी किया मैंने ऑनलाइन तो मैंने खातून को कहा हालांकि वो रेफरेंस है जिनको मैंने कैनेडा भेजा राइट right. उन्होंने बड़ा पुश किया तो आपके आने से पहले कि भाई वो, वो मीटिंग हो जाए तो मैंने उनको कहा कि आप आइल्स करें किसी को मुझे भी आप आपने रिटेन नहीं करना अभी हाँ। पहले आप ये, ये आइल्स इतना इतना आयल्स करें तो ये मरीज के हिसाब से आपको दवाई देना चाहिए ना हाँ। काउंसलिंग आपको केस के हिसाब से होने चाहिए जहां एलिजिबिलिटी होती है अच्छा होता है तो हम उसको कहते हैं आप एलिजिबल है इन नाउ इट्स योर टर्न बॉल इज इन योर कोड अगर आपने करना है तो आप आ जाए सॉ बिस्मिल्ला क्योंकि मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ मैं पर जस्टिन टूडो नहीं हूँ <laughs> कि मैं आपको दे दूंगा जब तक आप ये नहीं समझेंगे तो आपको बात और समझ में नहीं आएगी कंसल्टन कि कि का रोल क्या है right. कि आपका कंसल्टेंट का रोल जो है वो ये है कि टू ईज प्रोसेस एंड टू मैक्माइज ऑफ सक्सेस कि ये आप दो करते हैं और उसके उसके अगेंस्ट में आप उससे सर्विस ले रहे हैं अब सर्विसेज में जो है वो इख्तलाफ हो सकता है वो मुझसे भी हो सकता है इंसान हो ठीक है तो हो सकता है कि भाई आप फाइव स्टार सर्विस नहीं आप फोर स्टार सर्विस दे रहे होंगे तो ये तो होटल में भी होता है फाइव स्टार वाला होटल होता है कोई फोर स्टार किसी को थ्री स्टार का लेना है तो वो करें बट मेरा आर्गूमेंट सिर्फ और सिर्फ ये है कि जितने भी लोग सुनेंगे भी आगे भी सुनेंगे जब तक आपका ये पॉडकास्ट चलेगा उन तमाम कंसर्न को भी मैं ये बात कर रहा होता कि भाई खुदा आप कंपिटिशंस करें कंपिटिशन आपकी जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ योर स्किल्स होना चाहिए आप बेचिए आपको मार्केटिंग होना चाहिए मार्केटिंग गेमिक्स नहीं होना चाहिए नहीं। आप मार्केटिंग टेक्निक्स को यूज करें सब कुछ अपनी जगह पर बट दो चीजों से अगर हम अवॉइड कर लेंगे कि कि लोगों को सही तरीके पे आपने लेना शुरू कर दिया और एक अपना थोड़ा सा इतने चीज पे आपने काम कर ले ईमान के ऊपर कि भाई देखें रिस्क तो बहुत सारे लोगों मिल को मिल रहा है हर इंसान को अल्लाह तला रिस्क दे रहे हैं ना जब आप ये अपना अपना जहन में अगर आपने बिठा लिया कि रिस्क अल्लाह ने देना है तो फिर आप बड़े खुल के बड़े इतमान से आप जो है लोगों को कंसलटेश कोई भी काम करते हैं मैच आज मैंने कहा कंसल्ट नहीं तो कुछ और होता तो तब भी मैं मुझे वही करना चाहता अगर मैं प्रोग्रामर हूं मैं अगर पॉडकास्टर हूं अगर मेरे पास अगर कोई ऑनेस्ट अगर कोई एडवाइस नहीं है किसी के लिए या मैं किसी को सही रास्ता नहीं दिखा सकता तो फिर आप तनजली खुद अपने आँखों से देख रहे हैं ना इस वक्त हमारी जो तंजली का जो है तो ये चीज़ अगर अगर हम समझेंगे अभी भी हमारे पास मौका है उल्दू के बहुत देर हुई है लेकिन अभी भी मौका है यंगस्टर्स के लिए खासतौर पर हमने अपना काम करना था तो कर लिया है ना हम तो 20 साल से इस इंडस्ट्री में एज भी अब होते चले जा रही है जो है ना वो गिरते चले जा रहे हैं तो अब ये है कि लोगों को अपनी नस्ल को अपनी जो लेगेसी है जो आगे लोगों को ये बताएं कि रिस्क आपको मिलेगा आप किसी इंडस्ट्री में हों आई में हों इमिग्रेशन के अंदर हों हम अपने अ बींग अ पाकिस्तानी कहीं भी किसी भी नेशनलिटी को लें Dual जिस तौर पर तो आप एक नेशनलिटी तो अपनी रखते ही ना पाकिस्तानी उसकी शराख को बिगाड़े नहीं खराब नहीं करें कि हर वक्त कोई बंदा ये कहे कि यार ये तो दो नंबर ही, तो तो ही दो नंबर से स्टार्ट करता तो हाँ. ये नहीं होना चाहिए मुझे अच्छा जो पहली कैटेगरी थी तो उसके अंदर आपको जॉब ऑफर चाहिए आपने करना होता है हैसल है आपको जो है ना वो एक कंपलस आपका प्रोसीजर है तो आपको बहुत उससे गुजरना है तो वो उसके अगेंस्ट में इन्होंने लाया ए बी टू ठीक है नेशनल इंटरेस्ट का प्रोग्राम है कि उनको जो जिनका सब्सटैशियल uh, आपका जो है वो मेरिट होगा right. इनके पास एडवांस डिग्री होगी और जो हजरात uh, अच्छा अपना इंडिवर्स शो कर सकते कि मैं करूंगा क्या आके right. मैं गवर्नमेंट को या मुल्क को बड़ा फायदेमंद फायदेमंदगी मुफाद में हाँ। तो वो यूएस ई बी टू आपका बनता है उसमें आपको जॉब ऑफर वेव कर दी जाती है ठीक है तो आप इसीलिए उसमें दो कैटेगरीज हैं एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट हो राइट नोबल प्राइज है आपने अपेयरेंसेज हैं आपके अखबार में नाम है इंटरव्यू दिस एंड दैट आपको प्राइजेस uh, मिले हुए अवार्ड्स मिले हुए अप्रिशिएशन मिली है वो एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट प्रोग्राम है राइट right. उसके अलावा एडवांस डिग्री इसमें मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स क्वालिफाई करते हैं ठीक है कि आपके पास मिनिमम भी फोर ईयर्स बैचलर्स डिग्री अगर है ठीक है मिनिमम और आपके पास मिनिमम फाइव टू टेन ईयर्स रिकमेंडेशन टेन ईयर्स की होती है लेकिन अगर फाइव ईयर्स भी प्रोग्रेसिव वर्क एक्सपीरियंस है Right, ऐसे नहीं अब आप असिस्टेंट तो भी आए तो अभी पांच साल में असिस्टेंट भी है हाँ। तो अगर प्रोग्रेसिव है असिस्टेंट से मैनेजर मैनेजर सीनियर मैनेजर आपको हो गए क्विकली आपकी प्रोग्रेशन हो रही है तो फिर आप जो है इस प्रोग्राम के अहल हैं उसमें आप एक पिटिशन फाइल करें अपने आप को सेल करें कि मैं ये ये करूंगा एंडिवर अपना लिखेंगे एक बेहतरीन पिटीशन आप बनाकर ये सेल्फ अगेन ये भी सेल्फ पिटिशन फाइल हो सकती है यू डोंट नीड टू पे एनी आप खुद अप्लाई कर सकते हैं लेकिन अगर आपको जरूरत है एक प्रोफेशनल हैंड की जो आपको अच्छी प्रोटेशन करें तो फिर अच्छे मुस्तद लोगों से आप पिटिशन अपनी बनाए सबमिट करें पिटीशन अप्रूव होगी एंड देन आपको वीजा काउंसलर के लिए आपको वेट करना है प्रोसेसिंग टाइम भी साल डेढ़ साल लग जाएगा पाकिस्तान में खासतौर पर यू में

अगर मैं मैक्रो के ऊपर जाऊँ थोड़ा सा जाहिर है बीस साल से तो आप कर रहे हैं आई थिंक आपके आदर 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 फादर भी करते थे तीस बत्तीस साल तो आप लोगों को हो गए वॉट आर द ट्रेंड्स इन दिस स्पेस चलें अभी तो डेढ़ दो साल में तो एक है ना दरमियान में बम्प्स कभी नज़र आए आपको यार दो हज़ार आठ हो गया टेररिज्म हो गया तो बम्प आ गया वॉट आर द ट्रेंड्स इन टर्म्स ऑफ सप्लाई साइड कि पाकिस्तान में जो लोग जाना चाहते हैं वो किस किस तरह से बढ़ते हैं कम होते हैं देखिए हालात के पेश नजर ही होता है दो हज़ार सोलह के बाद अब माइग्रेशन सबसे ज़्यादा हुई है hmm. तो थोड़ी सी स्टैटस आपको ये भी बता दूं कि पिछले साल के अंदर अभी तख बत्तीस हज़ार लोग जा चुके हैं hmm. हाईली क्वालिफाइड भी हैं उसके अंदर इंजीनियर्स डॉक्टर्स भी हैं और तकरीबन साढ़े चार लाख लोग जनवरी से लेकर जुलाई तक जा चुके हैं ये स्टैटस के आपको रिपोर्ट आपको बता रहा हूँ मेजर वजह है अब यही जो बम्स आते हैं और उसमें हालात पहले हालात का तकाजा था बम धमाके हो रहे हैं टेररिज्म हो रहा है तो लोगों ने छोड़ना शुरू किया फिर उसके बाद आया कि आपका रेसिज्म भी बहुत हुआ फिर उसके बाद आपका फाइनेंशियल क्राइसिस हुए तो लोगों ने छोड़ना शुरू किया अब हालात ओवरऑल ही सारे खराब हो गए अब right. टेररिज्म तो इतनी नहीं है लेकिन डिफरेंट टेररिज्म है कि right. आप अवेलेबल हैं आप लॉ के तहत भी लॉ में नहीं है। हाँ, समझ रहे हैं बात हाँ. समझने तो आपको हर जगह से आप को परेशानी है लोग इसलिए चाहते हैं कि भाई एक सक्सेसफुल लाइफ अगर आप फिर भी गुजार रहे हैं अपने मुल्क के अंदर लेकिन आप जो है वो सिक्योरिटी नहीं, नहीं है, है सुकून हाँ. नहीं है आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है ठीक है ना आपके पास कोई रिसर्च के इदारे नहीं है जहाँ पर आपकी जो ना ग्रोथ, ग्रोथ होती हो हाँ. तो आप छोड़ते हैं अपने मुल्क को और वो इस साल में पहले ही क्यों होता था, था कि पहले भी लोग थे लेकिन उसका बदतरीज वो आता बढ़ती रही कभी भी पाकिस्तान में पिछले अगर दस बीस साल तीस साल जब से फादर भी कर रहे हैं हम बचपन में देख रहे होते थे कि वो जो है ना वो कोलंबो जाके अप्लाई करते थे कैनेडन इमिग्रेशन के, के केसेस को ले जाकर क्योंकि वहाँ बड़े क्विकली हो जाता था तो वो हमने बचपन से देखा कि लोग तो शुरू से ही अप्लाई करते हैं और उसमें बहुत सारे रीज़न्स रही हैं अब जो है वो इकनॉमिकल जो सिचुएशन है वो ज़्यादा खराब होने की वजह से भी होगी अभी आप देखें ना इन्फ्लेशन रेट क्या है आई गेस थर्टी एट थर्टी नाइन परसेंट के ऊपर चले गया है तो अब बंदा क्या करेगा उसकी तो खरीद भी खत्म होती चली जा रही है अभी तो लोग जो है ना वो अगर ना वो चीख़ें निकलना शुरू हो गई अभी तो और निकलेंगी तो उसमें बंदा कहता है कि यार आप डिफरेंट कंट्री में जाकर वहाँ पर भी थोड़ा इन्फ्लेशन तो हर जगह हिट कर रहा है लेकिन उस लेवल पर नहीं करना जो हम हमारे यहाँ हो रहा है हम तो श्रीलंका से भी बहुत वाक चले गए ना ऊपर हाँ। तो अब हम क्या है कि हमें परेशानी है तो जिसके पास बेचारे का पैसा है स्किल्स है और या कोई टेक्निकल स्किल्स है और वो कोई जा सकता है या जॉब हासिल कर सकता है तो उस वो रुख कर रहा है मुख्तलिफ कंट्रीज का उसमें कनाडा ऑस्ट्रेलिया तो अपनी जगह पर है लेकिन आपको पता है कि माइग्रेशन सिर्फ कनाडा ऑस्ट्रेलिया में नहीं क्योंकि तो टाइम लेती है साल डेढ़ साल तो वैसे ही लेती है तो ये जो माइग्रेशन हो रही है मुख्तलिफ कंट्रीज में लोग यूरोप बहुत ज्यादा गए लोगों ने मिडिल ईस्ट का मिडलीस्ट की भी एक बहुत बड़ी तादाद है जो पिछले अगर कुछ आप लोग स्ट्रेट निकालेंगे आपको पता चल जाएगा कि कई लोग जो है वो छोड़कर यहाँ आए मैं भी अक्सर लोगों को बताता हूँ कि भाई अगर कुछ नहीं हो रहा वीजा रिफ्यूज हो गया है या बैंक स्टेटमेंट है नहीं या डॉक्यूमेंट दिखा नहीं सकते हो तो फिर आप मिडल ईस्ट का रोख क्यों नहीं करते हैं हम वन विंडो विजन ये कर रहे होते हैं कि बस एक ही यार गोरा मुल मिल जाएगा तो मैं चले जाऊंगा जाऊँगा गोरिया यहाँ पर भी गोरिया नजर आ रही हैं मसला नहीं है तो आप जाकर जो है वो अगर मिडलीस्ट में करेंगे तो थोड़ा ऐसा कमाएं वहां से प्रिपरेशन करें तो उनको देन एंड देर सोल्यूशन चाहिए होता है बस मैं यहाँ अभी एक हफ्ते में चले जाऊद की माइग्रेशन में भी एक हफ्ते में नहीं जा रहे होते हाँ। तो उनको एक हफ्ते में चाहिए कि भाई मैं मुझे एक हफ्ते में बाहर निकलता हूँ मिडिल से इट इज अ वेरी कॉमन पाथवे कि लोग आते हैं तीन एक साल गुजारते हैं हैंडा अप्लाई करते हैं ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करते हैं आगे निकल जाते हैं करना भी चाहिए देखें देखें पर अगर आप रेजिडेंट हो जाते तो जॉर्जिया ये छोटी बोली कंट्री तो वैसे ही आपको मिल जाती है फिर आपको सुकून लाइफ मैं अक्सर अपने स्टाफ क्लाइंट को भी बता रहा हूँ जिनको जब मैं एक्स्ट्रा ये बात करता हूँ ईस्ट चले जाओ

यूरोप um, का आपने जिक्र uh, किया रिस सो पोर्चुगल एंड स्पेन एंड आई बिलीव इवन इटली डेट समर एज वेल दे स्टार्ट दिजट फ्री लांसर वीजाज पैथवे पोर्चुगल तो डेफिनेटली के वहाँ पर अगर आप सर्टन अमाउंट ऑफ वीजाज लगा लें तो आपको पासपोर्ट मिल जाता जा। है आई नो आफ अच्छा जब ऑरिजनली आया था तो मैंने देखा मैंने कहा यार पाकिस्तान में कहाँ ही लोग होंगे फिर मेरे क्योंकि मेरा कंप्यूटर साइंस से तालुक है और मेरे जो सारे बैचमेट्स वगैरह हैं वो हार्ड कोर फास्ट बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है आ, वो सारे के सारे बड़े अच्छे वेल सेटल्ड आई टी वाले थे तो उस पर मुझे तीन चार लोगों का पता लगा जो कि पॉचुगल गए और देर वेरी हैप्पी देर क्योंकि वो ये कि वो रिमोट जॉब्स कर रहे हैं लाइट से चार पाँच हज़ार डॉलर वो कमा रहे थे उनकी आई थिंक रिक्वायरमेंट साढ़े तीन हज़ार डॉलर है वो उनको मंथली वहाँ ड्रॉप हो रहा है और वो चार पाँच साल गुजारेंगे उनको पासपोर्ट मिल जाएगा फैमिली भी वहीं सेटल हो जाएगी ऐसे इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ opportunities... क्यों पाकिस्तान में मेन स्ट्रीम नहीं हो पाती लाइक इंडिविजुअल्स को तो पता लग गया वही जो तंत्रबाज दो में से दस है दस में से दो है वो तो निकल जाएगा बट <laughs> मेजोरिटी अभी भी उसी जोन में है कि यार हम किसी तरह अमेरिका निकाल दो यूके निकाल दो जो कि ओवरफ्लो कर चुकी हैं पाकिस्तानियों से ऑन अदर हैंड अगर मैं यूरोप को देखूँ तो यूरोप की ड्वनडिंग पॉपुलेशन है जापान की डवलिंग पॉपुलेशन है जापान मल्टीपल टाइम्स आ चुका है जर्मनी मल्टीपल टाइम्स पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पास आ चुका है कि यार हमें बंदे चाहिए ट्रेन करो हमें बंदे दो बट समहााउ वो जो पैथवे है वो सीरियसली नहीं देखा जा रहा वट डू थिंक अबाउट दैट आर यू पोटेंशली लुकिंग एड के यार अच्छा हम डाइवर्सिफाई करके अब इन एरियाज़ को भी ऐड कर लेते हैं कंसिडरिंग के यू you नो know, जैसे जैसे अंडरस्टैंडिंग uh, uh, बढ़ रही है तो इसकी डिफ़िकल्टी uh, भी बढ़ती जा रही है ना जो मेन प्रोग्राम हैं कैनेडा ऑस्ट्रेलिया वगैरह क्योंकि वो इंडिया uh, से भी कॉम्पिटिशन आ रहा है चाइना से भी कॉम्पिटिशन आ रहा है तो उ इज देर अ प्लान टू डाइवर्सिफाई टू दीज अदर कंट्रीज देखिए हमने किया भी था हमने पोर्चुगल का डी सेवन वीजा जो है वो अनाउंस किया वो क्या भी बनाई वो होता है कि आप फ्री लांसिंग जिसको आप कहते हैं पैसिव इनकम का राइट right. तो हमारे यहाँ सबसे पहले ये होता है देखें जो इस तरह के आते हैं पुर्चुगाल इटली तो सबसे ज्यादा जो रुझान होता है जो अप्लाई कर रहे होते हैं वो लोग लेबर क्लास होती है आ, तो प्रोग्राम तो वैसे ही जो है ना वो फ्लॉप हो जाता है आम, और जो आम जनता है आम आवाम है वो क्वालिफाइड है जिसको वही कहते तो हम वही कहते जो हमने बात की एक ही तरफ देख रहे हैं वो नहीं चाहते कि ना उनको हम जब आप देखें आपको चीज़ क्या चाहे बेक, आप बेकरी में भी हो आपकी चीज़ नहीं बे, बे, बेकरी होगी तो वो तो बासी होगी ना हाँ। तो हम वो प्रोग्राम भी खोल के अगर बैठे रहेंगे तो लोग जब नहीं डिमांड या उनको बताओ ना तो कहते नहीं यार पोर्चुगल कौन जाएगा या इधर हाँ। का जाए अब ठीक है अब हमें वो कहते ना हमें मार पड़ी है तो हम अब अब इधर उधर अभी थोड़े से <laughs> कांट भी हुए तो वो कहते हैं अब कुछ भी मिल जाए तो अब मुझे एक बंदे ने कहा कि यार कोई भी कर दो युगंडा का भी कर दो तो मैं चले जाऊंगा अच्छा जब बेचे जाओ युगंडा तो फिर लेंगे नहीं तो ये एक मसला है हमारे साथ तो हम देखिए एडेप्टेबिलिटी होना चाहिए अगर आपने आपको यह मसाइल है कि मुल्क से निकल कर कहीं और जाना जब ये वाले सवाल वाले, वाले लोग आते हैं तो उनको चाहिए कि भाई अगर आपको कोई पहले तो आप उसकी रिसर्च करें अगर आपको पोर्चुगल है इटली में स्टडी वीज़ास में भी लोग जा रहे होते हैं बहुत सारे लोग कर रहे हैं और, और मुख्तलि फ्री लांस के वीजा हैं, जर्मनी भी खोलने जा रहा है पॉइंट बेस सिस्टम के ऊपर तो इनके ऊपर वो नजर रखें और लोगों को अडेप्टेबल होना चाहिए कि मुख्तलि जगह पर जाकर वो वहां की लैंग्वेज भी सीख सकते हैं अपने बच्चों को पढ़ा सकते एटलीस्ट आपको यहां से या अपनी कंट्री से बेहतर आपको फैसिलिटी आपको मिल जाएगी और फिर वहां से फिर आगे बनाए हम हमें हमें चाहिए होता है कि हम डायरेक्टली बस अमेरिका कनाडा यूके मिल जाए जब जिनका नहीं हो रहा आइल्स आप कर नहीं सकते फॉर एग्जाम्पल आपके पास प्रूफ ऑफ फंड नहीं है या वर्किंग एक्सपीरियंस के अंदर आपके झोल हैं आप डॉक्यूमेंट्स को नहीं अरेंज कर पा रहे हैं तो फिर इन कंट्रीज को भी देखना चाहिए यूरोप एक बहुत बेहतर मार्केट है और उनको बहुत शॉर्टेज है क्योंकि एज गैप बहुत है तो हमारे पास अलहमदिल्ला जो जो जिस कंट्री से हम लोग बिलोंग करते हैं तो वहां पर जो है आपको यूथ आपको बहुत अदम मिलती है और इसलिए हमारी डिमांड भी ज़्यादा है और लोग जाके वहां पर घप जाते हैं वहाँ पर जो है ना वो रह जाते हैं और और अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं तो इन कंट्रीज़ को भी हमें देखना चाहिए इवन लोग मलेशिया में भी बहुत ज़्यादा सेटल हुए हैं बट क्योंकि मलेशिया के अंदर आप पासपोर्ट देता है पासपोर्ट नहीं देता ना ये एक वजह हाँ। है अक्सर लोग इस बात जब मैं मिडिलस्ट वगैरह भी कहता हूँ तो फिर मुझे मुझे समझाना पड़ता है कि भाई आप बाहर निकल के सोचेंगे फिर आपको बनेगा अगर कोई कंट्री पासपोर्ट नहीं भी दे रहा तो फॉर द टाइमिंग वही वाले बात जो हम डिस्कस कर रहे थे कि आप निकल आएँ एंड देन स्टार्ट थिंकिंग एंड प्रिपेयरिंग यो केस मलेश तो सर मैंने वैसे जो लोग गए ना वहाँ पे जो रेजिडेंट बने हुए पासपोर्ट नहीं भी है ना बड़े खुश हैं लोग पीपल रियली लाइक मलेशिया वो कहते हैं क्या ठीक है पासपोर्ट नहीं है लेकिन यहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ लाइफ हैंड नहीं जाते सिर्फ घूम जाते ना हमारा काम तो ये घूम और जो है ना भाई फिर आया कि आ जाओ थाईलैंड के दर वन परसेंट अनएम्प्लॉयमेंट है अच्छा आप सोचें साढ़े छः सात परसेंट से ऊपर उनका भी कोई आई थिंक गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम का। वो ठीक ठाक लेकिन वो भी पासपोर्ट तो नहीं देता लेकिन निकल कर आगे देखना फिर आप बिजनेस करना लाइफ कितनी है सेटलमेंट आपको कितनी देखनी तो बहुत सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आप अपना प्लान करना चाहिए मुझे ये बताएं जनरली जब दिमाग में आता है ना कि यार मैंने निकलना है मुझे याद है मैं क्योंकि अपना यह बिजनेस करता है और ऑलरेडी पहले भी ये डिस्कशन हुई बट मैं थोड़ा सा इसको वसी करूंगा अब अलोडो पीपल हु माई बी वॉचिंग दिस जो जॉब पेशा आदमी है वो तो देख रहे हैं uh, मसलिल ये जॉब पेशा आदमी जो होता है उसकी उससे कॉस्ट नहीं हो रही होती कि यार बीस पच्चीस लाख रुपया उसके पास कैश एंड हैंड नहीं पड़ा हुआ होता है जो बिज़नेस मैन है उसके पास पैसा होता है और बिजनेस भी होता है वो कहता है यार मैं रैपअप करूँगा मैं कहीं और निकल जाऊँगा फॉर बिजनस मैन एंड ऑन्टरप्रीन्योर्स उनके लिए क्या कॉपरचुनिटीज आपने हाईली स्किल्ड की तो बात की आई अंडरस्टैंड बट लेट से सम हैज़ अ कार शोरूम और सम हैज़ अ ग्रोसरी स्टोर और सम हैज अस् स्मॉल सर्विसज कंपनी वो कहता है यार ठीक है मैं इसको बेचूँगा मुझे पाँच आठ दस करोड़ रुपया आएगा मैं उस पैसे से कहीं रिलोकेट करना चाहता हूँ बिल्कुल उसके लिए क्या ऑपरेशन देखिए बहुत सारी कंट्रीज हैं अगर मैं सिर्फ सीधा सीधा जो जिन कंट्रीज पे हम में हम मेनली काम करते हैं या इंग्लिश स्पीकिंग की बात करें कैनेडा ऑस्ट्रेलिया और ई बी टू वगैरह के अलावा भी यू एस के अंदर प्रोग्राम है जो आप ई टू है जैसे जी ना उसमें भी आपको बिजनेस का आपको मिल जाता है तो आपको ऑन को तो कहीं ना कहीं मिल जाता है या वो तो इन्वेस्ट करेगा या सिटीजनशिप आप डायरेक्ट सिटीजनशिप पकड़ लें जो कैरिबियन कंट्रीज़ की हैं राइट बरबूदा हो गया, हाँ, Antique, हो, गया हो गया, वो एक सिंगल बंदा भी लाख डेढ़ लाख डॉलर देकर अब पासपोर्ट ले लेता है अगर उसको ट्रैवलिंग हमारे यहाँ बड़ा मसला है का, हाँ, वीजास बार -बार अप्लाई करना हाँ, वीजा होते, भी होता है बड़ा बड़ा आदमी भी रिफ्यूज हो जाता है ठीक हाँ, तो है तो फिर इज ऑफ बिजनेस हमारे मुल्क में नहीं होने की वजह से पासपोर्ट वाला तो आई मीनवर्न पासपोर्ट वाला दैट्स वेरी बंदा अगर पासपोर्ट खरीद

तो आप जो है ना उसके एग्जिस्ट करते हैं एग्जिस्ट है। लोग करना करना चाहते हैं लेकिन कंसल्टेंट्स ऑफर नहीं करते हैसल है किसी को अरेंजमेंट कराना चीजें करना एक आध आधुका कोई अगर कोई कर रहा होता तो क्या ऑफर करते हैं जनरली बिजनेस जनरली बिजनेस जो बैलेटिंग सिस्टम पे है पॉइंट सिस्टम्स के ऊपर है तो वो नेटवर्क स्टार्ट ही आपके दो ढाई लाख डॉलर से स्टार्ट होती है ठीक है अब फॉर एग्जांपल जैसे कनाडा की हम बात करें कनेडा का आउट प्रोग्राम जो है वो नॉर्मल प्रोग्राम चलता है तकरीबन पांच से छह लाख डॉलर का नेटवर्क हो माली असाजात और कम से कम भी दो लाख डॉलर आप अपना बिजनेस जो प्रपोज कर रहे हैं वो एप्लीकेशन में आपको देना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है ग्रोसरी शॉप करना फलाना करना है तो अगर मैं, मैं इसको समझने की कोशिश करूँ नेटवर्क की आपने बात की मैं एक बिजनेस मैन हूँ और मेरा लेट्स जूम गाड़ियों का शुरू में ठीक है।, है मेरे बैंक अकाउंट में तो शायद बीस पच्चीस लाख रुपया क्योंकि कोई भी कैश पी तो रोलिंग पे रखता है बिल्कुल तो क्या मैं अपना दिखा सकता हूँ क्या देखो मेरे पास ये डी का प्लॉट है और मेरे पास ये है और मेरे पास ये कमर्शियल लैंड है तो ये सारे की मैं वैल्यूएशन लगा के इसको नेटवर्थ में ऐड करूं जी दे, देखिए नेटवर्थ है ही कंबिनेशन ऑफ योर लिक्विड एंड नॉन लिक्विड नॉन लिक्विड जो आपकी है उसकी कंबिनेशन हाँ। uh, होती है वो आपकी कहलाती है नेटवर्थ आप नेटवर्थ अपना और अपने वाइफ के भी नाम पर अगर कोई है ठीक है वो आप लिक्विड अमाउंट होना जरूरी नहीं है ठीक है और लिक्विड अमाउंट आप कह रहे हैं पांच लाख डॉलर आपने नेटवर्क दिखाई अब आपने प्रपोज करना है अभी आपने देना नहीं किसी को ठीक है दो लाख डॉलर का आपने जो फॉर एग्जांपल आपने कहा कि भाई ग्रोसरी शॉप खोल खोलनी या शोरूम आपने खोलना है तो हाँ। आप उसका पूरा बिजनेस प्लान आप देंगे करेंगे कैसे उसका स्वेट एनालिसिस क्या होगा मार्केट रिसर्च क्या होगा चीज़ें क्या होंगी वो सब आपने आपने उसको पिच किया गवर्नमेंट उसको अप्रूव करेगी पॉइंट्स वगैरह भी देगी उसके अंदर क्या है क्या नहीं है कॉन्सेप्ट क्या है सारी चीज़ों के ऊपर वंस वो अप्रूव करेगी तो आप वहां पहुंचेंगे ठीक है आपको मिनिमम भी आपको जो है ना वो 18 से बीस महीने का परमिट आपको पहले मिलेगा ठीक है इंडिया रेजिडेंट परमिट आप उसके अंदर जो आप कह के आए थे जो आपने प्रॉमिस किया था वो आप उसको डिलीवर करेंगे कि दो लाख डॉलर आपने कैसे लगाए तो वो दो लाख डॉलर आपने मूव करने हैं ऐसा करें वैसे करें आपने जो बिजनेस प्लान दिया है वो दो लाख डॉलर को वो देखेंगे आपने कहां लगाए कैसे किए तो ये जैसे ऑन्टेरियो का करें अब ऑनटेरियो चूँक अभी होता है टोरंटो के अंदर करना चाह रहे हैं ग्रेट टोरों में करना चाह रहे हैं तो उसमें आठ लाख डॉलर की नेटवर्क तो आ जाती है फिर आपकी आ, चार लाख डॉलर से ऊपर आपको आपने बिजनेस वहां स्टूडियो अपार्टमेंट आठ लाख का मिल रहा है तो 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 ये ये इसलिए होता है इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया के अंदर चले हैं अच्छा एक एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिसके पास पैसा ही नहीं है एक सवाल जैसे आपने क्या पैसा नहीं है लेकिन वो ग्रेजुएट है या टेक्निकल है या स्किलफुल है किसी भी तरीके से और उसके बाद एक बिजनेस आइडिया है स्टार्टअप अगेन राइट तो हर कंट्री स्टार्टअप जो है वो ऑफर करती है राइट right. यूके कर रही है जैसे ऑस्ट्रेलिया करता है वन एट एट के अंदर करता है ऑनटरप्रोनरशिप के अंदर करता है कनाडा करता है स्टार्टअप लेकिन यहां पर एक बहुत वाजे समझने की जरूरत है आवाम को कि स्टार्टअप जहां पर वर्ड यूज होता है दैट मीनस यूनिक आपका आइडिया होना चाहिए uh, जो स्केलेबल हो राइट right. अगर आपका स्केलेबिलिटी नजर नहीं आएगी तो ये बड़ा मसला है पाकिस्तान में कि हैं कि मुझे message आते हैं Instagram के ऊपर ना यार uh, मेरा स्टार्टअप है आप प्रमोशन कर दें क्या स्टार्टअप है मैं बेकरी है लैंग्वेज नीड्स टू बी करेक्ट यू हैव अ स्मॉल बिजनेस स्मॉल राइट स्टार्टअप बाय डेफिनेशन इज ए लाइक यू मैंशन अ हाईली स्केलेबल इनोवेटिव आइडिया दैट कैन ब्रिंग अबाउट एफिशंसी एंड डिस्ट्रप्ड इंडस्ट्रीज वो अनफॉर्चुनेटली समझ नहीं आती और जो जो इस केस में प्रॉब्लम से अलॉट ऑफ टाइम्स दिमाग में पहले आता है कि स्टार्ट बाहर निकलना है तो स्टार्टअप और फिर आइडिया सोचना है तो आइडिया आई थिंक पहले होना बड़ा जरूरी है क्योंकि वो लोग वहाँ पर आपको बुला करके छोड़ नहीं देंगे वो आपको एक एक चीज चेक करेंगे इस जहन से जब तक नहीं निकलेंगे कि बस मुझे हम आते हैं वीजा की भूख में सिर्फ हमें होती है वीजा किसी तरीके से मिल जाए बस हमारा सोच ही नहीं होती अभी तक तो मैंने भैरल नहीं देखे सिवाय कोई इक्का दुक्का कोई बंदा बेचारा आ जाता है और वो आपके वाली बात करना वो स्ट्रीट स्मार्ट होता है वैसे ही वो खुद भी बहुत सारे अप्लाई कर रहे होते हैं हाँ। लेकिन मेरे पास जितना भी लोग आते हैं और मैंने देखा भी है वो यही होता है कि ना स्टार्टअप है या इनोवेटिव आप दे दें हाँ। करना आपने है तो आप ना कोई आइडिया तो लाए उसको बेहतरीन करना वो हमारा काम हो सकता है वो हमारी सर्विसेज है आप सर्विसेज लेने आए राइट right. तो ये चीज जब तक जो हम बार बार बात वो करते आपको ये चीज समझने की आप सर्विसेज को लेने आते हैं आपको आइडिया अगर आप स्टार्टअप पे जाना चाह रहे हैं एक अच्छा आइडिया लेकर वो चलाएंगे भी फॉर ah. एक्साम्पल जैसे आपने हमने कहा करीम आया था उबर आया था ये स्टार्टअप्स है अब ऐसा कोई आइडिया एप्लीकेशन बनाए ज्यादातर आई वालों को तो बहुत एडवांटेज होता है वो नई नई इनोवेशन उसके अंदर कर सकते हैं फिनटेक बहुत बड़ा अभी अभी मार्केट है इसके अंदर बहुत ज्यादा डिसप्प्शन हो सकती है तो लोग लोग इस तरह की आइडिया लेके आए उसको पिच करने के लिए हम गाइडेंस दे सकते हैं उसमें बेहतरीन बेहतरी ला सकते हैं और एक प्रोग्राम बनाकर कर सकते हैं जब ये करेंगे तो दोनों तरफ से फायदा होगा आपको खुद स्टार्टअप स्टार्ट करने का फायदा होगा और जिस कंट्री में जा रहे हैं उसको फायदा होगा और ऑल ऑफ आप अल्टीमेटली आप, आप, आपको जो है वो आपकी कंट्री को भी फायदा होगा क्योंकि आप भी भेज रहे होते हैं जहां पर लोग सवाल अक्सर कर रहे होते हैं ना कि यार ये तो बहुत ब्रेन ड्रेन हो रहा है तो भाई एक नजर अब ये एक नजरिया है बिल्कुल होता है लेकिन एक नजरिया ये भी तो है ना कि ब्रेन गेन भी तो हो रहा है जब आप दूसरे मुल्क में सेटअप करते हैं पढ़ाई करते हैं या आप जो है स्किल होके जाते हैं तो वहां की चीजें भी तो बहुत सारी आप चीज कर रहे हैं।, हैं हैं इवेंचुअली या ट्रिप लगाते हैं जब भी करते हैं तो आप बहुत ज्यादा मॉडर्नाइज होते हैं बहुत ज्यादा आप जो है वो डिसिप्लिन होते हैं और आप स्किल्स लेके आते हैं कि बाहर मूमालिक में क्या हो रहा है जैसे के अंदर ही आप देखें तो बहुत सारे लोग जब यहाँ से जाते हैं तो उनको बड़ा डिफरेंट लगता है यहाँ क्या हो रहा है यहाँ क्या हो हाँ, रहा है लोग ये सिग्नल बिल रुक रुक क्यों नहीं रहे <laughs> हाँ, तो ये सारी चीज़ें जो नहीं, नहीं वो आई थिंक ये बड़ा आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया और ये आज कल बड़ी एक कॉन्वर्जेसन बनी हुई है uh, हमेशा ही रहती है पाकिस्तान में और मैं उसमें दो तीन चीज़ें कहना चाहूँगा मुझे पिछले एक खातून ने मैसेज किया इंस्टाग्राम के ऊपर मैं आई जस्ट टॉकिंग अबाउट शौक इकानमी के हालात बड़े खराब हैं उन्होंने तो बोला आप तो छोड़ के चले गए अब आपको क्यों राइट है ना कि आप बोलें तो मैंने कहा सर अगर आपकी लॉजिक अप्लाई की जाती तो कायदे आजम को वापस ना आने दिया जाता और पाकिस्तान ना बनाने दिया जाता क्योंकि कायदे आजम भी छोड़कर गए थे यूके राइट Uh, बाहर जाना कोई कबात नहीं है उसके अंदर uh, बाहर जा एक्सपोजर लेना कोई कबात नहीं है अगर कायद अजम शायद यू के ना गए होते तो शायद उनके अंदर वो ग्रोथ ना आई होती जिसके बाद वो इवेंचुअली वे उन्होंने पाकिस्तान बनाया कि अगर हम उससे और मजीद पीछे चले जाएँ तो हमारे रिलीजन के अंदर हिजरत इज़ अ वेरी इनहेरेंट पार्ट ऑफ इट राइट बट इवन मोर इम्पॉर्टेंटली अगर मैं बहुत रिसेंट टाइम्स में हूँ देखें हालात ख़राब होना इज़ नॉट दी ओनली मेट्रिक फॉर लिविंग योर कंट्री If दैट वॉज सो अगर अच्छे हालात हैं तो आपको मुल्क में ही रहना चाहिए तो चाइना जो कि पिछले तीस साल में मैसिवली ग्रो किया है दुनिया की हिस्ट्री में किसी एम्पायर की इतनी मैसिव ग्रोथ नहीं हुई जितनी चाइना की पिछले तीस साल में हुई है नौ सौ मिलियन लोग पॉवर्टी से निकाले गए हैं वेयर एज सबसे ज़्यादा इमिग्रेशन भी आउटवर्ड भी चाइना से हुई नाइनटीन नाइन्टी वन के बाद इंडिया फाइनली स्टार्टड ग्रोइंग वेरी रैपिडली आज हमारे सामने इंडिया जो जैंट है वो हम करीब भी नहीं आते उनके आप तीस साल उठाएं। और जरा देखें कि उनके इमिग्रेशन नंबर्स क्या थे पूरी दुनिया के जहां पर हम एक ही बैथ में कहते हैं कि देखो दुनिया का हर कंपनी कम, का बड़ा सीईओ इंडियन है तो वो कहां से आया इंडियन भाई इमिग्रेट होकर आया है ना सबसे ज्यादा माइग्रेट करते हैं इंडियंस इंडियंस और वही इंडियन जो है वो इवेंचुअली वापस जाके माइक्रोसॉफ्ट का जो खोल रहा है ऑफिस वो इंडियन माइग्रेट है सत्या नडेला जो गया ठीक है वो इंडिया से ग्रेजुएट करके बाहर गया उनका वो वो क्या नाम है उसका गूगल का जो सीईओ है वो आईआईटी का ग्रेजुएट है का ग्रेजुएट है तो भाई वो इमिग्रेट की है ना इंडिया में बैठे रहे थे राइट right? हाँ. तो पाकिस्तान लाइक ये जो मेंटालिटी है ये जो टनल विजन है या ये कुएं के मेंढक वाली मेंटालिटी है दुनिया देखो प्रोडक्ट नहीं कर रहे ना स, मसला हाँ, ये है कि सोच अगर बढ़ेंगे ना तो होगा और एक, एक सोच जो आपकी जो है वो ब्रॉडर इस वजह से होगी कि आप एक तो सि, सिंसियरिटी हमारी बड़ी कम है अपने प्रोफेशन को भी लेके हाँ, हम औ, हम आप जिससे कह रहे थे ना कि बड़े हम सहल पसंद हो गए हाँ, अब आप कहीं पर भी, भी जॉब कैनेडियन को कैनेडा में भी रहे हैं और कैनेडा में एम्प्लॉयर आपको जॉब देगा तो जो पाकिस्तानी एटीट्यूड होगा बहुत डिफरेंट होगा इंडियन एटीट्यूड बड़ा डिफरेंट होगा यहीं आप देख लें कि आपको एक धर्म के ऊपर भी जो है ना वो बदला आपको यहाँ पर चाहे छोड़ के जाएगा हाँ। हमारे वाला एक धर्म के लिए क्यों मैं कहीं हाँ। ये मेंटेलिटी है हमारी ये हमारी है सोच है जब तक आप ये सोच चेंज नहीं करेंगे मैंने अभी यही मैंने एक बात कही भी थी एक जगह पर थोड़ा सा मैं फ्रस्ट्रेट हुआ था कि पाकिस्तान पाकिस्तानियों से काम करना भी शायद ना छोड़ रहे ये मुझे डर है उसकी वजह यह है कि जब आप किसी पाकिस्तानी से भी डील कर रहे होते हैं तो सबसे पहला उसका जो सोच होती है वो ये होता है कि यार इसको काटे कैसे इससे पैसे कैसे निकलवाए हेल्थ हाँ। तो दूर की बात अब आप, आप दूसरी नेशनलिटी को अगर आप देखेंगे तो वो एक दूसरे को हेल्प करते हैं एक बंदा हाँ। जाता वो है हाँ। पूरी लॉबी बनाते हैं पूरी लॉबी बनाता है हाँ। हम कहां पर खड़े हुए वो तो चांद पर जा रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं हम सिर्फ जो है ना वो शेरोशहरी में चांद को यूज कर रहे हैं तो हम टिकटॉक से और इनसे आगे जब तक नहीं निकलेंगे तब तक वो काम आपको बनेगा नहीं ग्रोथ मैंटेलिटी नहीं है ना बस वो छोटी एक्सट्रैक्टिव मैंटेलिटी है क्या मेरा आज क्या फायदा निकल सकता है दस साल रिलेशनशिप बिल्डिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है वो जो आपकी वाली बात ऑनिस्टी कारमा यू नो आप एक वैल्यू बेस्ड सिस्टम होता है मैं अभी एक सर्विस सेंटर के अंदर गया अपने बिजनेस के लिए कंपनी के लिए ऑनर हमारे कंट्री मेट थे पहले तो मुझे बड़ा ताजुब मैं बड़ा रिलेक्टेंट होता हूँ बहरअल अल्लाह अल्लाह करके ले लिया फिर वो होता। दिल तो फिर रुकता ही है कहते चलो ले लेते हैं अपने ही लोग हैं यकीन कीजिए कि ना जो उनकी सर्विसेज का हाल है और अभी रिसेंटली मुझे पता चला कि भाई वो तो उन्होंने जिस उसमें बैठे हुए उससे किराया तक भी नहीं दिया हुआ कैन यू इमेजिन हम सब स्टार्ट हो गए उन्होंने हाँ। कहा यार ये क्या है अभी हमें आए हुए कुछ अर्सा हुआ है और ये बात पता चल रही है हाँ। और उससे पहले ही मैं बहुत ज्यादा फ्रस्टेट ये हो चुका हुआ था कि जो बात करें आप वो झूठ के बुनियाद के ऊपर ना सर्विस स्टैंडर्ड है ना हम जो है ना लोगों को प्रॉपर गाइड कर रहे हैं उसी के जो है ना बरक्स अगर कोई एडियन है या फिलिपिनो अगर बैठे हुए हैं तो वो जो है ना बेहतरीन सर्विस दे रहे हैं हम क्या कर रहे हैं है? पैसे भी बचा रहे हैं हाँ। एक रखा हुआ है उसी को घसीट रहे हैं वॉशरूम इतने खराब है आप सर्विस अच्छा बिजनेस सेंटर है सर्विस हाँ आप सर्विस ही नहीं है आपकी सर लेकिन एक और बड़ी मजेदार बात बताता हूँ आपको मैं दूसरी नेशनलिटीज वाले अपने एम्प्लॉज को पे भी अच्छा कर रहे हैं उनके बिल्डिंग्स भी अच्छी हैं उनकी खूबसूरत भी है और उसके बावजूद वो आपको सर्विस क्वालिटी भी दे रहे हैं ठीक है आपके लोग चार्ज भी ज़्यादा कर रहे हैं अच्छा। अपने एम्प्लॉइज को भी कम पैसे दे रहे हैं बिल्डिंग के ऊपर भी नहीं इन्वेस्ट किया हुआ मतलब अगेन जो एक्सट्रैक्शन है ना वो हमारे यहाँ पाकिस्तान में हमारा हम, मैं लोग हमेशा ये कहते हैं कि यार हमारा अमीर आदमी जो है ना बड़ा दो नंबर है वो पैसा निकालता है मैं कहता हूं हमारा अमीर आदमी से बेवकूफ़ कोई नहीं है बिल्कुल जो कि एक्चुअली अपने दिमाग में अमीर है आ, ऐसी ठीक है।, है वो जब बात है ना दुबई उसकी औकात नजर आ जाती है ठीक है <laughs> सही बात क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रैक्ट करना चाहता है वो वैल्यू क्रिएट करना नहीं जानता अगर उसको वैल्यू क्रिएट करनी आती होती तो वो अपना भी सोचता अपने एम्प्लॉयज़ का भी सोचता अपने क्लाइंट का भी सोचता और उससे जो उसको लॉन्ग टर्म के ऊपर पैसा मिलता ना वो देखने वाला होता सर आप ये देखें कि उस मैंटेलिटी से नहीं निकल रहे बार बार मुझे ये बात बस बात की जाती है कि मैं तो यहाँ का ओनर हूँ ना हाँ। मतलब हम अपने शशकों से ही नहीं निकलते मतलब मैं ओ, भाई आपके पास भी कोई काम करने आया करने आया है मतलब हम मैं पैसे दे रहा हूं और बंदा जो है वो तीन घंटे से गायब है मैं लिटरली दो दिन मैंने लिया बिजनेस दो दिन के बाद ही मैंने कहा कि मुझे नहीं रहना आई डोंट केयर अबाउट द मनी मुझे चाहिए सुकून सुकून के लिए आयो <laughs> मैं यहाँ पर छोड़कर आया बोल वही <laughs> वही तत्ती मुझे अगर यहाँ मिल रही है तो <laughs> वो फिर अगेन वही हम तो पैसे वापस नहीं करते <laughs> अगेन मतलब हम तो ना किसी की हेल्प पैसा जब ले लिया आपसे अब आप ना ना सर्विस देंगे टेबलें टूटी हुई हैं हाँ। चीज़ें तो, तो मैं ये बताता हूँ मैं हर चीज़ से जो वो वो ना हिंदी में होता है सीख लेना सबक लेना है ना आप मैं हर चीज़ से लर्निंग होती है मैं अक्सर ये कहता हूँ लोगों को भी क्योंकि अब तो मैं इस उम्र में चले गए तो मैं कह सकता हूँ कि मैं यंगस्टर्स को <laughs> गाइड कर रहा था कि मैं अगर थ्री इडियट मूवी देखता हूँ तो लोग तो उसको हंसी मजाक में देखते हैं मैं उसके अंदर उसका जो सबक है वो देखता हूँ यार उससे मुझे क्या जो है ना वो मिल रहा है लेसन क्या मिल रहा है तो इस तरह की चीज़ें आपको देखने की ज़रूरत है कि अगर मैं संजू बाबा की फिल्म देखा तो उससे मुझे सबक लेना चाहिए जस्ट ये नहीं कि मुझे सिर्फ और सिर्फ जो है वो फिल्म देख के एंटरटेनमेंट और हो गई आपको आपको अगर चीजों से चीजें से सबक नहीं मिलता मुझे मुजम्मल से कुछ सीखने को नहीं मिलेगा जैसे वो हजरत अली ने कहा ना कि आप ये नहीं देखो कौन कह रहा है ये देखो क्या कह रहा है हाँ। ये एटीट्यूड जब आपके पास आएगा तो आप तरक्की खुद ब खुद आपके अंदर से तरक्की आपके अंदर से होती है Hmm. आप अपनी तरक्की करेंगे तो औरों की तरक्की भी इसके अंदर देना होगी और यही फिर आपका फर्स्टेशन नहीं होगा कि हम देखेंगे यार हमारे सारे लोग जहाँ आप काम करने जाओ जहाँ बचने की कोशिश करो जहाँ आप देखोगे हमें जो है ना वो होता है कि ना लोग जो है ना हमारे वाले निकलते हैं तो एनी वेज बात ज्यादा अगर मैं थोड़ा <laughs> सा इसको बैठूँ और वापस लेकर आऊँ मुझे एक बात ये बताएं कि, hmm. कि आजकल ना बड़ा ये चल रहा है सिस्टम माई नो अभी मैं कल मेरी फ्लाइट थी बैक टू दुबई तो पाकिस्तान में मुझे कह रहे थे कि यार सब दुबई का क्या सीन है नॉट वेरी हाईली क्वालिफाइड तो वो कह रहे थे कि यार कोई बेसिक जॉब वगैरह मुझे मिल जाए फिर उन्होंने कहा कि यार वो मेरा आया हुआ है दोस्त वो दुबई से तो वो मुझे बता रहा था कि इटली में ना बड़ा सीन है आजकल के बस आपको वीज़ा लग जाता है और आप बस पहुँच जाएँ और बस ये हो जाएगा कुछ ना तो उससे मुझे ये रियलाइजेशन हुई है ये सिर्फ इवन लेबर क्लास या उसमें नहीं है ये इवन पढ़े लिखे लोगों का ये कॉन्सेप्ट है कि यार कनाडा पहुंच जाओ फिर देखी जाएगी स्पेन पहुंच जाओ पासपोर्ट जला दो व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट दीज थिंग्स फर्स्ट ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ लीगैलिटी सेकेंडली अगर लीगल है भी यानी कि कुछ एरियाज में इस तरह है ना कि आप रेफ्यूजी स्टेटस कर लो आप वो कर लो लीगली आप अपने आप को कर भी लेते हो बट डू थिंक दैट्स दैट्स वर्थ इट नॉट पॉसिबल अच्छा देखिए दो तीन उसमें हैं सिलसिले क्योंकि जो आपका कॉन्सिक्वेंस है वो बड़े खतरनाक होते हैं आप पूरी फैमिलीज को लेकर आपने खुद देखा ना डंकी से जो जा, जा रहे थे लोग हाँ। ये हम ऐसी डिसीजन लेते हैं ना उसमें कुछ लोग थोड़े बहुत पढ़े लिखे भी होंगे हाँ। ज्यादा जाद, आपके अगर होंगे लेबर क्लास तो थोड़ा बहुत एक आध दो लोग होंगे भी फैमिली को भी लेके जा रहे थे हाँ। सारे के है सारा ना वो आंखों देखा आप कर रहे होते हैं तो लोग रिस्क लेते हैं उसकी मेन वजह अगेन वही है ना कि लोग अरीब करीब के देखें मुल्क तो फिर भी चल ही रहे लोग रह रहे हैं हम भी बड़े अच्छे इलाकों में रहते हैं चीज़ें रहते हैं तो लोग तो वैसे भी रह रहे हैं जिंदा जिंदा

उसकी कॉन्सिक्वेंस होता है कि एक तो हम जिस नेशनैलिटी के होते हैं तो फिर वो जो मेरे आप जैसे लोग या कोई और अच्छा अगर जाने वाला जाना चाहता है तो वो क्या होता है कि उसको भी उसी नज़र से से देखा जाता जाता है 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 फिर एक ही लकड़ी से जाते है जो हमारा है। आप कुछ भी नहीं करें अब यहां से फ्लाइट पकड़े जॉर्जिया कितना छोटा मुल्क है पाकिस्तान के मुकाबले में तो कुछ भी नहीं है ना नहीं। आप जॉर्जिया चले जाए ना आपको डेढ़ डेढ़ घंटा साइड में करके बिठा दें मैं आपको इनाम दूंगा आप आपको पूछे ना अगर वो भाई क्यों आए हो क्या करने आओ बाकी लोगों से तो नहीं पूछते रहे तो ये जब वैल्यू इसलिए होती है कि जब आगे वाले लोग जाकर ये इस तरह के जुगाड़ करते हैं तो उसके अंदर आपको नुकसान होता है बहरहाल अगर कोई पहुंच जाता है चले भी जाता है जैसे इटली पहुंच गया चीज़ें कर दिया तो फिर वहाँ पर वो अपने स्किल्स से अपने अपने बिजनेस से या कुछ करके ये ना करें कि जो होगा देखा जाएगा फिर तो फिर आप पाकिस्तान में ज़्यादा अच्छे हैं कुछ है तो सही अगर आपने थोड़ा बहुत भी है और एक बंदा बिल्कुल जीरो है गाँव से उठता है हम तो देखते हैं कि गाँव से उठता है वो कहता है मुझे कैनेडा जाना है मुझे इटली जाना है जब आप अपने मुल्क में थोड़ा बहुत भी कुछ नहीं कर सकते तो आप सोचिए कि आप, आप सर्वाइव करेंगे ना उनको देख रहा होता है सिंपल सा फॉर्मूला है डेंकी में सौ लोग निकलते हैं दो बच के आते फिर अपनी कहानी बता रहे तो आप जाकर सर्च करें गूगल के ऊपर तो आपको पता चलेगा जो अपनी स्टोरीज बताते हैं कि पाओ में ये हो गया ऐसे हो गया वैसे हो गया लग गया मरने वाले थे लोग फिर भी एक नहीं आते हैं मैं आपको ऐसी किस्सा याद है कि मैं मेरी चूँकि वीडियोज़ लोग अगर अक्सर देख लेते हैं तो मुझे मैं गाड़ी सही कराने गया अपना कराची के अंदर तो वो एक बंदे लड़के ने मुझे पहचान लिया कि यार वो आप मेरे पास पहले आते थे और आपको मैंने एक टिप्स में देखा ठीक है यार वो आप मुझे मुझे पता आप करते तो नहीं है डंकी करवा दें <laughs> मैंने कहा अभी वाक्य हुआ है अभी अभी बाद अभी वाक्य हुआ तो नहीं नहीं वो तो ठीक है लेकिन देखिए हो जाता है वो तो हम भी कुछ ना कुछ कर ही लेंगे मतलब हमारी आई वुड हैव थॉट के के इस वाक्य बाद जो सोच भी रहे थे वो पीछे होके बैठ गए मैं हैरान हूं मैं उसको शक्ल देख फिर मैं अब चुके अब क्या कह रहे हैं ठीक है मैं देखता हूँ <laughs> मैं कुछ होगी जुगाड़ तो आपको बताऊंगा

अगर कोई चीज़ गलत है और उसको आप रोकें अगर आप रोक सकते हैं मेरे पास प्लेटफॉर्म था मैंने उस, उसके थ्रू लोगों को आगाही दी कि भाई कौन होता है रजिस्टर्ड कंसर्न कौन होते हैं ऑथराइज एजेंट कौन होते हैं जॉब ऑफर की हकीकत क्या है एटलांटिक प्रोग्राम्स को कैसे होते हैं अभी तक भी आप उठा के हम ई मेल्स देख लें लोग पूछते हैं एटलांटिक प्रोग्राम नहीं करते जबकि उसके अंदर जॉब ऑफर दरकार है जॉब ऑफर देगा कौन आप देना अच्छा मैं दूंगा तो फिर लेजिटिमेट होगी नहीं होगी हमारे अरीब करीब में लड़कियां बेचनी है अब मैं मुझे हैरान यही होता है कि कैसे किस ईमान के तहत आप लोग जिससे बात कर रहे हैं आप उसको कह रहे हैं कि ना दो महीने लेती हूँ कैनेडा भेजा देती हूँ और टोटली आपकी टेक्निकल बात से हटकर से ये होती है पाँच अभी लेंगे पांच बाद में लेंगे पाँच ये होगा सिंपल है मेरा फीस का उस वक्त बताया जाए तो मुझसे आप एक घंटा बात करें आप आप मुझसे बात करने आए आप मुझसे फीस के नहीं पूछेंगे मैं नहीं बताऊंगा आपको आप पूछेंगे कि आगे क्या करना है तो फिर बात होगी अब मैं हो पंद्रह हजार धर्म के अंदर आप लोगों को जॉब बेच रहे हैं आप उनसे चूंकि वो बंदा ज्यादा पढ़ा लिखा होने तो रिसर्च नहीं कर सकता वो हाँ हा, कर रहा है और वो कह रहा है कि अच्छा जॉब लेकिन पंद्रह हजार धर्म में जॉब हो कैसे सकती है अगर कोई एम्प्लॉयर ले भी जाए उसको यूं कहना चाहिए कि भाई नहाओगे क्या निचोड़ोगे क्या <laughs> <laughs> आप 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 क्या चीज लेंगे खुद क्या जेब में रहेंगे जिसके लिए आप सेल कर रहे हैं क्योंकि आप सेल कंसल्टेंट है <laughs> यू के अंदर सारे के सारे सेल कंसर्न में आज आपको बता दू अच्छा <laughs> कंसर्न तो है ही कोई नहीं एक्चुअली क्योंकि सेल्स कर रहे उनके टारगेट हैं खर्चा <laughs> आपने देना बहुत ज्यादा अपने कमाना है अप घर भेजने ठीक है ना अब वो पंद्रह हजार का लगा हुआ है बंदा बंदी कि मैं जॉब ऑफर अच्छा एम्प्लॉयर कौन है वो हम आपको नहीं बता सकते जिसको जिसके लिए जॉब जा रहे जा हमारा लॉयर लॉयर अच्छा लॉयर है आपका लॉयर है पंद्रह हजार में साढ़े सात तो खुद रखेगा ना हाँ। पांच हजार तो आप ये पांच हजार में किसी को जॉब और कैनेडा भी जा रहे हैं हाँ। तो ये बड़ा ही हैरत अंगेज बात है हमारी आवाम चाहे इंडियन है पाकिस्तानी है बांग्लादेशी जो हमारी बात समझे सीखें उनको आगे अच्छा ये चीज वायरल नहीं होती ना हाँ। <laughs> अभी आप और मैं कोई अच्छी जो है ना वो चर्ब बात कर रहे हो कोई ऐसी बात करो कि कल आपको जो है ना वो भिजा देंगे और मेरे पास मुझसे रब्ता कर कर लें आप और दिस एंड आपकी दूंगा और देखें ना ये वीजा आ गया डालूंगा ना अभी ये ना तो मैं इसका जो टाइटल डालूंगा डालूंगा इजिएस्ट वे टू गो आउट ऑफ पाकिस्तान ऐसे चलती है कभी कहता ना मैं यार ऐसे बता

तो वो अप्लाई करें आइल्स पे बहुत अच्छा करें ए लेवल्स ओ लेवल्स वाले लोग को तो वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती वो आइल्स अच्छा उठा लेते हैं तो ये एज बहुत आइडियल है ट्वेंटी थर्टी फाइव के थे बट एक जो मिथ है कि नहीं भाई ट्वेंटी नाइन थर्टी फाइव के अलावा तो होता ही नहीं है अक्सर लोग आके बात करते हैं कंसल्टस भी बात कर रहे होते हैं उनकी चूंकि समझ की कमी या उनकी एक्सपीरियंस की कमी होती है चाहे वो कितना भी काम किया होता है उनको ये नहीं पता होता कि प्रोमोशन नॉमिनी प्रोग्राम्स या स्टेट नॉमिनेशन प्रोग्राम्स काम करते हैं राइट right. और उसमें अंडर फोर्टी फाइव ईयर्स ऑफ एज लोगों को अपनी किस्मत आजमाने चाहिए राइट यू नेवर नो बैलेटिंग सिस्टम है यू नॉट गारंटी लेकिन आप सारे अगर डॉट्स को मिलाएंगे तो आप भी कहीं कही ना कहीं को अच्छा प्रोग्राम और अच्छे पॉइंट्स बनाएंगे और वहां पर जाकर आपके सिलेक्शन होते ऐसे बहुत सारे केसेस हमने हैंडल किए है, बताया बटा कर होना चाहिए अगेन वही बात नहीं मैंने नहीं, मतलब आपका हो जाएगा आप तो के हो, ना हो आप उनको बताएं कि देखिए आपको रिस्क लेना है मेरा काम है प्रोसीजर को चलाना और उसमें बेहतरी की तरफ उसके अंदर काम करना तब आपका काम जो है वो आप आए बैलेटिंग के अंदर आए आपको अल्बर्टा चूज कर सकता है थ्री हंड्रेड प्लस पॉइंट्स के पास सेलेक्ट करता है तो आप कैसे किसी को डिनाई कर सकते हैं तो किस्मत आजमाने चाहिए अगर आप किस्मत हो अभी हमारे पास एक केस हुआ था सस्कैश के लिए वो फोर्टी थ्री फोर्टी टू के लिए थे कंस्ट्रक्शन मैनेजर पॉइंट्स सिक्सटी एट्स चलते हैं उनकी अपनी एक ग्रेडिंग होती है पॉइंट्स की ड्रॉप डाउन किया गवर्नमेंट ने सिक्सटी फाइव के ऊपर वो एक्जैक्टली सिक्सटी फाइव बनाए हुए थे उन्होंने उनको मैंने सावा सारा सब कुछ बताया था कि सर ये है रिस्क आपके एंड पे मैंने आपको कहा था कभी भी मिथ आप जो है उसको फॉलो ना करें आप फॉलो करें प्रोसीजर को और इस चीज़ को फॉलो करें कि ना बैलेटिंग के अंदर कभी भी ड्रॉप डाउन हो जाता है तो आप रिस्क ले सकते हैं

आप खुद बता दीजिए कि अगला राउंड कितने का होगा वो कहते हैं आगे से तो हाँ। रहा रहा है अपनी जगह पर लेकिन क्या गवर्नमेंट ने ये कहा कि हम सिर्फ ट्रेंड को फॉलो करेंगे चलेंगे? राइट। आप अपने को करके आ जाएं करें। तो इसलिए फोर्टी फोर्टी फोर तक भी लोगों को ट्राई करना जिनके पास अच्छी इंग्लिश वगैरह है बिल्कुल फाइव बैंड और सिक्स बैंड के अंदर अंदर लोग हैं तो वो फिर बहुत मुश्किल वन लास्ट थिंग आपने पूरी पॉडकास्ट में ना ये बेचा है कि क्यों कंसल्टेंट्स के पास नहीं जाना चाहिए <laughs> <laughs> तो इफ आई वो आस्क यू इसके ऑपोजिट पे कि वाई शुड पीपल गो टू तो अ कंसल्टेंट um, और इसकी मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से यह बता सकता हूँ आईव नोन पीपल वो आर स्टिल इन पाकिस्तान मेरे हम ग्यारह फ्रेंड्स ग्रेजुएट किए थे फास्ट uh, यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में ग्यारह में से एक साहब अब पाकिस्तान में दस जो हैं वो सऊदी अरब में मैं दुबई में हूँ एक जर्मनी में एक दो स्वीडन में हैं यू एस सोने सो फोर्थ जो निकलने वाले थे वो निकल गए और ये हर जगह से आए हुए ये लोग ये लड़के वो नहीं थे कि बड़े कोई जी, ए लवर्स वाले मेरे खाली दोनों ए लवर्स क्या हुआ था वो निकल गए पॉसिबिलिटीज़ बड़ी क्लियर बट देन मेरे और एक्सटेंडेड फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनका मुझे नज़र आ रहा है कि यार इन लोगों का बहुत क्लियरली आ, दो दो मिनट की गेम है और इन्होंने निकल जाना है राइट आपको एक पता होता है ट्रेंड्स नज़र आ रहे हैं आपको नजर आ रहे हैं किस तरह का बंदा जा चुका है हाँ बिल्कुल सही लेकिन वो हमेशा वो ना कुछ पाकिस्तान में एक मसला हमारा ग्रोइंग अप ऐसा रहा है कि पेरेंट्स ने हमेशा हैंड होल्डिंग की और हमें आदि बना दिया है हैंड होल्डिंग का ऐसे तो वो आके ना वो मैं उनको ये तो बोल सकता हूँ कि सर आप जरा निकल जाएं लेकिन वो फिर कहते हैं अच्छा तो क्या करूँ आप कहते हैं चलो आप गूगल करके आप उनको एक वेबसाइट ही बता देते हो कहते हैं अच्छा इसमें क्या करना है <laughs> तो फिर आप कहते हो कि यार यू नो व्हाट लाइक आप बैठे रह जाओगे <laughs> आप वही पचास हजार एक लाख रुपए दो लाख रुपए की सैलरी पे बैठे रह जाओगे आप अप्लाई करो आपका दस पंद्रह लाख रुपया लग जाएगा लेकिन वो आप छः महीने में कमाल हो गए वहाँ जाके सही है राइट हैव समन जो आपके सर पर बैठ के क्योंकि आपकी प्रोफाइल अच्छी है आपके सर पर बैठ के आपको अकाउंटेबल ठहरा के करवा दे वाई डू यू थिंक मुझे बड़ी क्लियर उसकी अपॉर्चुनिटी नजर आती है रिक्वायरमेंट नजर आती है फॉर सर्टन अमाउंट्स ऑफ पीपल Why do you think someone should come to a consultant? Having said all of what you said, देखिए बहुत सिंपल सा अगर मैं आंसर करूँ ना बहुत क्विकली आपको बताऊँगा ऐसे ही जैसे कि कोई फार्मेसी से जाकर दवाई ले सकता है तो लेना चाहिए उसको वही हम बात कर रहे थे कि जिसको जो खुद कर सकता है तो उसको करना चाहिए बट अगर कोई नहीं कर सकता तो उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए क्यों क्योंकि डॉक्टर के पास एक्सपर्टीज होती है बहुत से लोग देखें मेरे पास हाईली क्वालिफाइड जब हम बात करें तो क्या वो खुद नहीं कर सकते थे पीएचडी होल्डर मेरे पास है हंड्रेड जो है ना पब्लिकेशन उनकी टीबी टू के लिए अपला खुद नहीं अप्लाई कर सकती क्या हमसे ज्यादा भी अच्छे शायद लिख सकते होंगे लेकिन उनको पता है कि डूज एंड डोंट्स डूज आपको सब जगह पर मौजूद होता है आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा डोंट्स नहीं बताया पता चलेगा यही डॉक्टर में होता है यही इलेक्ट्रिशियन पे होगा यही आपका मैकेनिक का होगा मुझे एक उससे याद आई बात कि मुझे एक मैकेनिक मिला गाड़ी ख़राब होगी रस्ते में मैंने कॉल करके बुलाई और जैसे ही उसे बैनोट खिला उसने सिर्फ एक टिक किया और स्टार्ट हो गई गाड़ी तो कहने लगा मैंने पैसे कहने लगा दो हजार रुपये उस वक्त मैं है, इतने ज्यादा पैसे हाँ. तो बोला इसी चीज को समझने के लिए मैंने टाइम लगाया ना हाँ. कि ये कहाँ पर जाकर आप लगे रहते आप लगे हुए हाँ. तो नहीं हुआ आपसे तो जो आपके पास स्किल्स हैं जो आपके पास जो जो उसको आइडिया है देने का ताकि आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट कि जब आपके पास फॉर एग्जाम्पल जैसे जॉब होती है हुँ. आपके पास दो जॉब निकलती है किसी कंपनी में तो हजारों लोग तो आते हैं ना लेकिन हज़ारों लोग तो सिलेक्ट नहीं होंगे बेस्ट ऑफ द बेस्ट सिलेक्ट होगा तो वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट बनाने के लिए उसकी कोशिश के लिए आपको कंसल्टेंट की जरूरत है और वो जो डोंट्स हैं वो आइडेंटिफाई करे प्रॉपर ऑडिट जब करेगा केस का तो आपके केस में ऑब्वियसली आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट बढ़ेंगे अमंग अदर्स hmm. आपके चांसेस ज्यादा बन जाएंगे सिलेक्शन के और लोग को सारी क्वालिफिकेशन सारा एक्सपीरियंस सारा लैंग्वेज आप ही का था hmm. लेकिन उसकी मदद से रहनुमाई जिसको आप कहते हैं उसकी रहनुमाई से आपको हमेशा फायदा होगा कंसर्न की रहनुमाई से फायदा ही होता है hmm. बट जो हम जो बात किया जिसका जो कंक्लूजन तो वही ये था है कि गारंटीज वाली चीजों से आपने बच जब आवाम गारंटीज पे जो है ना वो सौदे करते रहेगी स्कैम्स होता रहेगा जब आवाम जी समझते रहेगी कि कंसर्न माई बाप है कंसर्न जो है ना वो एम्बेसी में बैठे हुए लोग हैं कंसर्न जो है ना वो जॉब बना के जुगाड़ कर देते हैं ये तब तक आपको स्कैम होते ही रहेगा ना इसका रोकथाम है आप कितनी भी बात कर लें लेकिन sense. जिस तक जहां तक भी बात अगर पहुंच जाएगी तो वो थोड़ा बहुत कुछ लोगों को फ़ायदा हो जाता है जो पिछले कुछ सालों में आदिल भाई थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग ऑल दैट इन एंड कमिंग इन अगर किसी ने कांटेक्ट करना हो आपको तो व्हाट्स द बेस्ट वे टू डू दैट देखिए आसान है अगर सारे कांटेक्ट डिटेल्स लेने hmm. तो हमारी वेबसाइट पे चले जाएं सुपीरियर इमिग्रेशन डॉट कॉम राइट वहां पर आपको सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको मिले और आप लोग कहां बेस्ट

बिलीव करते हैं हम क्वांटिटी भी तो कुछ दो तीन महीने से हमने स्टॉप किया था कि हम आड़फ सिटी नहीं कर रहे हैं क्योंकि right. हमारे पास बैकलॉग बहुत ज़्यादा था अब right. अलहमदिल्ला आज के बाद से आपसे हमने स्टार्ट किया है तो हमने जो है वो स्टार्ट कर दिए तो तमाम तो लोग हम क्योंकि लाहौर में से भी कोई जी लाहौर इस्लाम आबाद लाहौर में, में तो मैं तकरीबन दो हज़ार से अवारी होटल जो है ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है दो से सेमिनार करता हूँ वन टू वन सेमिनार चारी चारी है है चारी चारी। वो ये है कि मैंने इंट्रोड्यूस करा पूरी दुनिया के अंदर एक सेमिनार होता है लार्ज गैदरिंग के अंदर लोग खड़े होते हैं अपना दिखाते हाँ। हैं ये वो करते हैं हमने कहा है, जैसे आप और मैं अभी डिस्कस करें लोग आए तादाद में एक एक अच्छा एन्वायरमेंट उनको मिले हाँ। और वो उस एनवायरमेंट के अंदर वो आकर वन टू वन ही डिस्कस करें और उनको प्री प्रीऐसेस किया जाए मेरा कोई भी शख्स जो है वो प्री एसेस के बगैर आता नहीं है

शेयर एन इंसाइट ऑन हाउ डू यू सी पाकिस्तान ट्वेंटी सेवन ईयर्स फ्राम नाओ नोइंगल ऑफ वॉर्ट यू नो नाओ एंड सींगट यू सीन थ्रू आउट योर लाइफ अगर आज के जो हालात हैं या पिछले आने वाले वक्त के हालात हैं उन्हीं को एक्स्ट्रापोलेट किया जाए um, बड़े लोग जब आए हैं उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की यूथ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है आई वॉन्ट यू टू अवॉइड दैट बिकॉज वो यूथ पॉपुलेशन कुछ नहीं करेगी आई ऑल्सो वॉन्ट यू टू अवॉइड कि इफ कि अगर ये हो गया तो ऐसा होगा

आप जो है किसी ठेले वाले से भी बात हम क्या कहते जैसे हुक्मरान की बातें करते रहते हैं हाँ, इसका भी बड़े खिलाफ हूं भाई जैसे आपके अमाल होंगे वैसे हुक्मरान होंगे आप आप रेडी वाले से भी बात करें सॉरी टू से वो आपको दो तीन चूना लगा चूना लगा, दे, लगा देगा हाँ, हाँ, कोई भी चीज से आपको जो है ना वो निकाल देगा ऐसे और आपको या देखेगा बड़ी पार्टी है बड़ा पैसा से भी काट लेगा जब तक हम एतदाल पसंद नहीं है मैं खुद चुका आदल हूं तो मैं कोशिश करता हूं कि आदल वाले काम करें मैं कोई फरिश्ता नहीं हूं मैं भी बहुत सारी गलती करता हूँ बहुत सारे गुरा करता हूँ बट अगेन जो बेसिक प्रिंसिपल हैं, आप उसको फॉलो करें बेसिक प्रिंसिपल ये कि आप अपनी नस्ल को देख क्या रहे हैं मेरा बेटा आज देखेगा क्या वालिद साहब तो जो है वो लोगों को चुने लगाते हैं और दर्द दे रहे हैं किसी और चुका तो हमारे कॉल ऑफ फेल में तजाद नहीं होना चाहिए आ, बहुत सीरियस जो है ना वो मैटर है लेकिन लोग आके आपका बहुत डिफरेंट बात करेंगे ये हो गया पाकिस्तान ऐसा कर देगा वैसा हो जाएगा कुछ भी नहीं होगा चाहे कुछ भी करते रहे आपने जब आपने डॉक्टर कही जैसे लोग भी निकालें तो आप कहाँ पहुंच गए आपको तो बहुत आगे पहुंचना चाहिए था आ, आपने बहुत बड़े बड़े सिंगर डॉक्टर्स इंजीनियर्स कुछ आप नाम लें हर जगह पर आपके पास एक टैलेंट मौजूद है लेकिन वो आगे इसलिए नहीं बढ़ता कि वो सही फिल्टर नहीं होता हमारा मैकेनिज्म जो है वो नहीं सही होगा तो ये तो दुख की बात है सॉरी टू से मैं कोई भी अगले पाँच साल में भी मैं जो आप कहने आप तो अपने ट्वेंटी सेवन ईयर्स की बात की मैं पाँच साल में भी बहुत ज़्यादा जो है वो चेंजेस नहीं देखता अनटिल कि हमारी यूथ भी हमारे लोग नहीं आने वाली नस्ल ही करी हम तो जब गुजार गए हमारे बड़े भी गुजार गए कब्रों में पहुँच गए हम भी पहुँच जाएंगे लेकिन जब तक आगे आने वाली नस्लों को हम सही हम टिकटॉक और इससे आगे नहीं निकालेंगे आप देख लें वीडियो टी वी के ऊपर ये चीज़ें लड़के लड़कियां डो हमारा कोई इंटेलेक्चुअल काम ही नहीं है नहीं। जब तक हमारे और सबसे बड़ा सबसे बड़ा काम यह है कि हम एजुकेशन मैं जैसे आपको एजुकेट करूं आप मुझे जैसा एजुकेट कर रहे हैं यह एजुकेशन अगर हो यह भले से आपकी डिग्री से ना रिलेटेड करते हो लेकिन एजुकेट करना चाहिए कि भाई आपने सिग्नल पे रुकना है कि नहीं रुकना तो जब तक आप एजुकेट नहीं करेंगे कॉम आपकी कॉम इसी तरीके से निकलते रहेगी ऐसे ही टाइम ज़ाया करते रहेगी ऐसे ही पान खा के जो है ना वो बाहर थूकते रहेगी लेकिन आपकी जो है वो अपग्रेडेशन नहीं, नहीं होगी उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली मुझे काफ़ी लोग पूछते हैं कि आप क्यों गए ना पाकिस्तान से बाहर बहुत सारी वजूहत थी एक मेजर उसकी वजह जो थी वो मेरी और बेगम की बड़ी एक सोच थी कि हम जब बड़े हो रहे थे ना तो हमारे वालद साहब ने हमारे अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें इनकेट की हमारी वालदा ने एक्चुअली ज़्यादातर उन्होंने उस पर फोकस किया उन्होंने हमें इस पर रखा कि अपनी जो चीज़ें हैं उसको शेयर किया करो काइंडनेस सिखाई सेल्फलेसनेस सिखाई पेशेंस सिखाया अच्छा आज जिस बच्चे के अंदर ये होती है ना क्वालिटीज़ uh, या जो बाप अपने बच्चे को ये क्वालिटीज सिखा रहा होता है उसको बेवकूफ़ समझा जाता है राइट आज पाकिस्तानी माशरे के अंदर आपको फॉर सिक्योरिटी रीजंस अच्छे पढ़े लिखे लोग जो हैं वो अपने बच्चों को सिखाते हैं कि तुमने यू हैव टू लुक आउट फॉर योर यू डू नॉट हैव टू इंडल्ज विद स्ट्रेंजर्स के साथ आपने क्या करना है और ये बड़ी अंडरस्टैंडेबल है अंडरस्टैंडेबल है कि क्यों से हो, हो ना हाँ तालीम की कमी की वजह से एक आपकी बात सही सॉरी टू कच यू वो ये जो है कि uh, इस वक्त जो जो तरतीब है हमारी कि पेरेंट्स जो हैं वो हम सिखाते हैं देखिए एक बात जैसे आपने भी कही कि पेशेंस पेशेंस कहा जा सकता है पेशेंस सिखाया नहीं जा सकता नहीं। सबर। नहीं। सबर तो आप लिख के किताबों में नहीं पढ़ते बचपन से पढ़ने सबर करके दिखाया जाएगा तो होगा मैंने आपने आप देखा होगा उकर को आपने देखा है राइट बहुत से लोग कहते हैं कि यार कैसे तरबियत की क्यों इस तरह से हाँ। मैंने कहा मैंने एक रुपए की भी तरबियत नहीं की है मैंने करके दिखाया मैं सिर्फ नसीहत नहीं करता मैं अगर नमाज के लिए कह रहा हूँ खुद नमाज नहीं पढ़ता तो कैसे बच्चा सीखेगा मैं सबर का कह रहा हूं सबर खुद नहीं करता कैसे बच्चा सीखेगा आप जो है लीड फ्रॉम द फ्रंट होना चाहिए मैं ऑफिस के अंदर लीडर हूँ बॉस हूं सबको जो है ना वो तबलीग करता रहता हूं और बताते रहता हूं ऐसा करना चाहिए मोटिवेशन होना चाहिए बिजनेस रन करना चाहिए ये तो डायलॉग सभी करते हैं लेकिन मैं खुद उस पर अमल नहीं करता सबसे बड़ा फकदान ये है कि आप बच्चों के अंदर अगर आपने कुछ चीज़ सराहत करनी है ट्रेट करवानी है तो आप करके दिखाएंगे आप उसको जो है वो अपने अमल से करके दिखाएंगे तो वो जल्दी सीखेगा इंस्टेड ऑफ तो किताबों में किता, हमने कितना पढ़ा है hmm. कुरान में कितना पढ़ा होगा और आप बाकी किताबों में कितना पढ़ा होगा झूठ नहीं बोलना चाहिए आज हम वही बात कर रहे हैं कितने hmm. लोग कितने लोग समझते हैं कितने लोग नमाज पढ़ते हैं कितने लोग जो है ना बिजनेस के अंदर खासतौर पर सबसे बड़ा अलमिया जो है इस आप इमिग्रेशन को भी छोड़ दें चीज़ों को भी छोड़ दें किसी भी काम करने के अंदर आसान सा जो है वो अल्लाह नबी कहते हैं तोल में कमी हम समझते नाप तोल सिर्फ जो है ना राशन वाले की बात है हाँ। आप किसी भी काम के अंदर ऊपर नीचे कर रहे हैं दैट इज हाँ आप किसी भी काम ये इंपॉर्टेंटली अगर कोई बात समझ जाए और अपने पास देखें हर किसी को जाना तो है बहरल लेकिन आपने ये चीजें समझी बगैर क्योंकि हम दुनियावी चीजों में ज्यादा लगे रहते हैं हम समझते हैं कि ना मैं बड़ा कंसल्टेंट बन जाऊंगा बड़ा नाम हो जाएगा बड़े मीडिया कवरेज कर लूंगा तो काम अब जो ना वो मेरा बन जाएगा वो तो दुनिया है लेकिन मैं और साथ में चार नवाजें पढ़ लूंगा तो अल्लाह ने मुझे और ये बताया गया था हमें बचपन में आप ही जाएगी आई नो के वाई वी लॉस्ट वेख इसको काटे नहीं काटे मैं कंप्लीट

और लोगों के साथ क्या जो है ना हो रहा है तो आपको जस्टिस तो मिलेगा ही नहीं <laughs> जस्टिस सेंटर्स में क्या हो रहा है तो हाँ, क्या आपको अनफॉर्चुनेटली सर थैंक यू सो मच एंड आई लुक फॉरवर्ड टू टॉकिंग टू यू अगर अगले मूड हुआ कि हमने किसी और कंट्री जाना है जरूर शेयर करेगा यूट्यूब वाले लाइक का दबाएंगे इंगेजमेंट बढ़ेगी लोगों तक हमारी कॉन्र्सेशन पहुंचेगी और प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे आने वाले एपिसोड्स के आपको नोटिफिकेशन मिलेगी uh, नीचे आप कॉमेंट सेक्शन में आके मुझे बता सकते हैं आई लव टू हे योर था अबाउट ऑल ऑफ दिस इमिग्रेशन गेटिंग आउट ऑफ पाकिस्तान ब्रेन रेन वॉट नॉट आप क्या कोई सोच रहे हैं बाहर जाने का अगर सोच रहे हैं तो क्या कंसल्टेंट हायर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं uh, किस कंट्री में आपको लगता है कि ज़्यादा अच्छे चांसेज हैं उसको जाने के लिए मिन कामेंट सेक्शन बिलो बट एनी वेज दिस वैद्य मुजाम असन जैदी योर वॉचिंग थॉट बहड थैंक्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आल वन